आज हम इस वीडियो में रुतिक रोशन की एक शानदार मूवी के बारे में ना ही सिर्फ बात करेंगे बल्कि अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर इसे आप देख पाएंगे साथ ही में इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और कुछ फैक्ट भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ तो हो सके तो वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा यहाँ पर मूवी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं मूवी का नाम लक्ष्य दिया गया है 2004 में ये मूवी रिलीज हुई थी और मूवी में आपको वॉर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है हाल ही में जो रजिक रोशन है उनकी मूवी है ये फाइटर हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इसे देख चुके हैं और इनकी पुरानी मूवी लक्ष्य देखना चाहते हैं पर इस मूवी का रंटम काफ़ी ज़्यादा है लगभग तीन घंटे की मूवी रही है पर मूवी में जो रजिक रोशन है यानी कि एक्टिंग सच में बहुत ही कमाल की है जो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है और ये मूवी भी दोस्तों ट्रो एवेंट पर बनाई गई है जो नाइनटीन में कारगिल जो वार हुआ था इसी बार यह जो कहानी है वो बेस्ड है अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में थोड़ी बात करें तो जो आई है वहाँ पर भी इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है आई की तरफ से इस मूवी को 10 में से 7.8 की रेटिंग मिली है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है दोस्तों ये मूवी एक नहीं बल्कि चार जगह पर उपलब्ध है आप जहाँ चाहें वहां से इसे देख सकते हैं पर मैं आपको एकदम सिंपल वे बताऊंगा जहाँ से आप इसे एकदम सस्ते में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम वीडियो यूट्यूब और गूगल प्ले मूवीज और टीवी पर उपलब्ध है पर अगर आप इसे सस्ते में देखना चाहते हैं तो आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी दोस्तों मूवी काफी बढ़िया है तो आपका जो रेंट का प्राइस है वो बिल्कुल भी वसूल होने वाला है बाकी ऐसे बहुत सारे अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जहां से आप देख सकते हैं मूवी के लीड लीडका स्कृति क्वासन प्रीति जिंता अमिताभ बच्चन शरद कपूर ओम पुरी बम ईरानी राजेंद्र नाथ जोस्ती सुशांत सिंह परमित सेठी संजय एम सिंह अजय जोश रणवीर सोरे ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसमें देखने को मिलेंगे सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है स्पेशली यहाँ पर जो रितिक रोशन है इन्होंने यहाँ पर दोस्तों बहुत ही गजब की एक्टिंग कर रखी है ये मूवी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है और मूवी को वैसे यूएस सेंसर किया गया है पर आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं जो रॉट एंड टोमेटो है वहाँ पर भी इस मूवी को 85 फाइव परसेंट हासिल है तो आप समझ सकते हैं कि मूवी में वाकई ही दम है चलिए एक नज़र इसके बॉक्स ऑफिस इस कलेक्शन की तरफ ही डालते हैं क्योंकि कहीं बार लोग ये सोचते हैं अगर मूवी का कलेक्शन सही है तो ही हम इस मूवी को देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों मूवी का कलेक्शन काफ़ी बढ़िया रहा था ये मूवी दोस्तों जो थी वो लगभग चौदह करोड़ के बजट में बनाई गई थी और इस मूवी का जो कलेक्शन था वो लगभग दोस्तों नाइन्टी फाइव करोड़ का हुआ था मतलब आप समझ सकते हैं कि मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी हिट रही है इसके अलावा मूवी को काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है तो आप इसके बारे में जानते ही हो अगर नहीं जानते हैं तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले एक नज़र इसकी स्टोरी के बारे में डालते हैं कि यहाँ पर आपको आखिरकार स्टोरी क्या देखने को मिलेंगी तो वैसे इस मूवी के दोस्तों जितने भी रिव्यू आए हैं तो बहुत ही बढ़िया रिव्यू है सब लोगों ने इसे अच्छा रिस्पांस दिया हुआ है ये मूवी दोस्तों अठारह जून 2004 को रिलीज हुई थी और उस टाइम पर मूवीज़ का इतना जो था माला माल था नहीं तो लोग जो है टूट पड़ते थे आज की आज की तरह पर फिर भी ये मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है इस मूवी को आप एक बार तो देख ही सकते हैं पहले जो मूवी थी वो हमें स्टार गोल्ड पर देखने को मिलती दे थी पर अब ये मूवी दोस्तों कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो कौन से टीवी चैनल पर आती है इसका अभी कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि मूवी जब भी टीवी पर रिलीज़ होती है तो जो टीवी वाले होते हैं वो पाँच साल के लिए लेते हैं या फिर कहीं दस साल के लिए लेते हैं तो वैसे में ये मूवी हो सकता है कि अब आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिले इस मूवी के अंदर दोस्तों बहुत सारे आपको ऐसे विरोधी भी देखने को मिलते हैं चलिए कहानी के बारे में बात करते हैं लक्ष्य में आपको अंतराल बिंदु पर युद्ध रेखाएं खींची जाती है और दूसरे हाफ में फोकस युद्ध पर ही यानी कि जो कारगिल जीतने पर और भारत को गौरवान्वित करने पर होता है लेकिन लेखक जावेद अख्तर ने बड़ी चतुराई से कहानी में रोमांटिक थ्रेड भी डाला हुआ है ताकि फिल्म ऑपरेशन विजय पर एक डॉक्यूमेंट्री बनकर न उभरे फिल्म के दूसरे भाग में युद्ध के दृश्य को डर का एहसास कराते हैं और वो ईमानदारी से दोस्तों यहाँ पर आपको जो है जीत हासिल करने का मौका भी देते हैं ऐसे समय में जब भारत पाकिस्तान के इसते चरम पर है या लक्ष्य जैसी फिल्म काजू है यहाँ पर मौका बनेगा या नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा दरअसल आपको कारगिल युद्ध के बारे में पता होगा तो आपको यहाँ पर पता ही होगा कि मूवी में आखिरकार कहानी क्या देखने को मिलेंगी वैसे जो तो कारगिल युद्ध है इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनाई गई है कुछ फिल्में काफी अच्छी रही है पर मेरे हिसाब से लगभग जो मूवी है वो हिट ही रही है बहुत ही कम ऐसी मूवी होगी जो कि देशभक्ति पर बनाई जाए और फ्लॉप हुए तो दोस्तों ये मूवी भी इन्हीं में से एक है जो कि बॉक्स ऑफिस इस पर एक हिट साबित हुई है अगर मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में इस मूवी की जो स्टोरी है वो बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर जो मूवी का हीरो है इसका नाम करण रहता है अब होता यू है कि करण एक लक्षीण युवक होता है और इच्छा अनुसार भारतीय सेना में शामिल होता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी इच्छा यही होती है कि वो भारतीय सेना में शामिल हो गए और देश के लिए कुछ करेंगे लेकिन जब उसे एक सैनिक का जीवन कठिन लगता है तो पीछे हट जाता है जब इससे उसकी प्रेमिका के साथ टकराव पैदा होता है तो वह उसे गौरवान्वित करने के लिए फिर से शामिल हो जाता है तो यहाँ पर किसी भी इंसान के जीवन में कभी कोई ऐसी घटनाएँ घटती है तो वापस अपने मोड में आता है तो शायद यहाँ पर मूवी का हीरो भी ऐसा ही कुछ करने चला था अब क्या से वो उस जंग को जीतता है ये जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा मूवी यूट्यूब पर रेंट पर उपलब्ध है जहाँ पर रेंट प्राइस फिफ्टी है आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं बाकी अनऑफिशियली ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिले इसके बहुत ही कम चांस है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मूवी को जरूर देखेंगे आज हम इस वीडियो में रुझिक रोशन की एक शानदार मूवी के बारे में ना ही सिर्फ बात करेंगे बल्कि अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर इसे, इसे आप देख पाएंगे साथ ही में इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और कुछ फैक्ट भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ तो हो सके तो वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा यहाँ पर मूवी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं मूवी का नाम लक्ष्य दिया गया है 2004 में ये मूवी रिलीज हुई थी और मूवी में आपको वॉर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है हाल ही में जुरुदिक्रासन है उनकी मूवी है ये फाइटर और हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इसे देख चुके हैं और इनकी पुरानी मूवी लक्ष्य देखना चाहते हैं पर इस मूवी का रंटम काफ़ी ज़्यादा है लगभग तीन घंटे की मूवी रही है पर मूवी में जुरुजिक रॉशन है इनकी एक्टिंग सच में बहुत ही कमाल की है जो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है और ये मूवी भी दोस्तों ट्रो एवेंट पर बनाई गई है जो नाइनटीन में कारगिल जो वार हुआ था इसी बार यह जो कहानी है वो बेस्ड है अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में थोड़ी बात करें तो जो आई है वहाँ पर भी इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है आई की तरफ से इस मूवी को 10 में से 7.8 की रेटिंग मिली है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है दोस्तों ये मूवी एक नहीं बल्कि चार जगह पर उपलब्ध है आप जहाँ चाहें वहां से इसे देख सकते हैं पर मैं आपको एकदम सिंपल वे बताऊंगा जहाँ से आप इसे एकदम सस्ते में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम वीडियो यूट्यूब और गूगल प्ले मूवीज और टीवी पर उपलब्ध है पर अगर आप इसे सस्ते में देखना चाहते हैं तो आप इसे YouTube पर देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी दोस्तों मूवी काफी बढ़िया है तो आपका जो रेंट का प्राइस है वो बिल्कुल भी वसूल होने वाला है बाकी ऐसे बहुत सारे अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जहां से आप देख सकते हैं मूवी की लीडका स्कृति क्वासन प्रीति जिंता अमिताभ बच्चन शरद कपूर ओम पुरी बम ईरानी राजेंद्र नाथ जोस्ती सुशांत सिंह परमित सेठी संजय एम सिंह अजय जोश रणवीर सोरे ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसमें देखने को मिलेंगे सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है स्पेशली यहाँ पर जो रितिक रोशन है इन्होंने यहाँ पर दोस्तों बहुत ही गजब की एक्टिंग कर रखी है ये मूवी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है और मूवी को वैसे यूएस सेंसर किया गया है पर आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं जो रॉट टोमेटो है वहाँ पर भी इस मूवी को 85 फाइव परसेंट हासिल है तो आप समझ सकते हैं कि मूवी में वाकई ही दम है चलिए एक नज़र इसके बॉक्स ऑफिस इस कलेक्शन की तरफ ही डालते हैं क्योंकि कहीं बार लोग ये सोचते हैं अगर मूवी का कलेक्शन सही है तो ही हम इस मूवी को देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों मूवी का कलेक्शन काफ़ी बढ़िया रहा था ये मूवी दोस्तों जो थी वो लगभग चौदह करोड़ के बजट में बनाई गई थी और इस मूवी का जो कलेक्शन था वो लगभग दोस्तों नाइन्टी फाइव करोड़ का हुआ था मतलब आप समझ सकते हैं कि मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी हिट रही है इसके अलावा मूवी को काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है तो आप इसके बारे में जानते ही होंगे अगर नहीं जानते हैं तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले एक नज़र इसकी स्टोरी के बारे में डालते हैं कि यहाँ पर आपको आखिरकार स्टोरी क्या देखने को मिलेंगी तो वैसे इस मूवी के दोस्तों जितने भी रिव्यू आए हैं तो बहुत ही बढ़िया रिव्यू है सब लोगों ने इसे अच्छा रिस्पॉन्स दिया हुआ है ये मूवी दोस्तों अठारह जून दो को रिलीज हुई थी और उस टाइम पर मूवीज का इतना जो था माला माल था नहीं तो लोग जो है टूट पड़ते थे आज की आज की तरह पर फिर भी ये मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है इस मूवी को आप एक ही बार तो देख ही सकते हैं पहले जो मूवी थी वो हमें स्टार गोल्ड पर देखने को मिलती दे थी पर अब ये मूवी दोस्तों कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो कौन से टीवी चैनल पर आती है इसका अभी कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि मूवी जब भी टीवी पर रिलीज़ होती है तो जो टीवी वाले होते हैं वो पाँच साल के लिए लेते हैं या फिर कहीं दस साल के लिए लेते हैं तो वैसे में ये मूवी हो सकता है कि अब आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिले इस मूवी के अंदर दोस्तों बहुत सारे आपको ऐसे विरोधी भी देखने को मिलते हैं चलिए कहानी के बारे में बात करते हैं लक्ष्य में आपको अंतराल बिंदु पर युद्ध रेखाएं खींची जाती है और दूसरे हाफ में फोकस युद्ध पर ही यानी कि जो कारगिल जीतने पर और भारत को गौरवान्वित करने पर होता है लेकिन लेखक जावेद अख्तर ने बड़ी चतुराई से कहानी में रोमांटिक थ्रेड भी डाला हुआ है ताकि फिल्म ऑपरेशन विजय पर एक डॉक्यूमेंट्री बनकर न उभरे फिल्म भी दूसरे भाग में युद्ध के दृश्य को डर का एहसास कराते हैं और वो ईमानदारी से दोस्तों यहाँ पर आपको जो है जीत हासिल करने का मौका भी देते हैं ऐसे समय में जब भारत पाकिस्तान के रिश्ते चरम पर हैं क्या लक्ष्य जैसी फिल्म का जो है यहाँ पर मौका बनेगा या नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा दरअसल आपको कारगिल युद्ध के बारे में पता होगा तो आपको यहाँ पर पता ही होगा कि मूवी में आखिरकार कहानी क्या देखने को मिलेंगी वैसे जो तो कारगिल युद्ध है इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनाई गई है कुछ फिल्में काफी अच्छी रही है पर मेरे हिसाब से लगभग जो मूवी है वो हिट ही रही है बहुत ही कम ऐसी मूवी होगी जो कि देशभक्ति पर और हुए। तो दोस्तों ये भी में से एक है या फिर बॉक्स ऑफिस पर एक हिट साबित हुई है अगर मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में इस मूवी की जो स्टोरी है वो बताने की को कोशिश करूँ तो यहाँ पर जो मूवी का हीरो है इसका नाम करण रहता है अब होता यू है कि करण एक लक्षीण युवक होता है और इच्छा अनुसार भारतीय सेना में शामिल होता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी इच्छा यही होती है कि वो भारतीय सेना में शामिल हो गए और देश के लिए कुछ करेंगे लेकिन जब उसे एक सैनिक का जीवन कठिन लगता है तो पीछे हट जाता है जब इसे उसकी प्रेमिका के साथ टकराव पैदा होता है तो वह उसे गौरवान्वित करने के लिए फिर से शामिल हो जाता है तो यहाँ पर किसी भी इंसान के जीवन में कभी कोई ऐसी घटनाएं घटती है तो वापस अपने मोड़ में आता है तो शायद यहाँ पर मूवी का हीरो भी ऐसा ही कुछ करने चला था अब क्या से वो उस जंग को जीतता है ये जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा मूवी यूट्यूब पर रेंट पर उपलब्ध है जहाँ पर रेंट प्राइस फिफ्टी रुपीज है आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं बाकी अनऑफिशियली ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिले इसके बहुत ही कम चांस है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मूवी को जरूर देखेंगे आज हम इस वीडियो में रुझिक रोशन की एक शानदार मूवी के बारे में ना ही सिर्फ बात करेंगे बल्कि अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर से इसे आप देख पाएंगे साथ ही में इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और कुछ फैक्ट भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ तो हो सके तो वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा यहाँ पर मूवी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं मूवी का नाम लक्ष्य दिया गया है दो में ये मूवी रिलीज हुई थी और मूवी में आपको वॉर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है हाल ही में जो रजरासन है उनकी मूवी है ये फाइटर हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इसे देख चुके हैं और इनकी पुरानी मूवी लक्ष्य देखना चाहते हैं पर इस मूवी का रंटम काफ़ी ज़्यादा है लगभग तीन घंटे की मूवी रही है पर मूवी में जुरु इक्रासन है इनकी एक्टिंग सच में बहुत ही कमाल की है जो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है और ये मूवी भी दोस्तों ट्रो एवं पर बनी गई है जो 1999 में कारगिल जो वार हुआ था इसी पर ये जो कहानी है वो बेस्ड है अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में थोड़ी बात करें तो जो आई है वहाँ पर भी इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है आई की तरफ से इस मूवी को दस में से सात पॉइंट आठ की रेटिंग मिली है इसके अलावा जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है दोस्तों ये मूवी एक नहीं बल्कि चार जगह पर उपलब्ध है आप जहाँ चाहें वहां से इसे देख सकते हैं पर मैं आपको एकदम सिंपल वे बताऊंगा जहाँ से आप इसे एकदम सस्ते में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम वीडियो यूट्यूब और गूगल प्ले मूवीज और टीवी पर उपलब्ध है पर अगर आप इसे सस्ते में देखना चाहते हैं तो आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी दोस्तों मूवी काफी बढ़िया है तो आपका जो रेंट का प्राइस है वो बिल्कुल भी वसूल होने वाला है बाकी ऐसे बहुत सारे अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप देख सकते हैं मूवी के लीड लीडिका ऋतिक राशन प्रीति जिंता अमिताभ बच्चन शरद कपूर ओम पुरी बम ईरानी राजेंद्र नाथ जोस्ती सुशांत सिंह परमित सेठी संजय एम सिंह अजय जोस रणवीर सोरे ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसमें देखने को मिलेंगे सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है स्पेशली यहाँ पर जो ऋतिक रोशन है इन्होंने यहाँ पर दोस्तों बहुत ही गजब की एक्टिंग कर रखी है ये मूवी दोस्तों काफी बढ़िया है और मूवी को वैसे यूएस सेंसर किया गया है पर आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं जो रॉट एंड टोमेटो है वहाँ पर भी इस मूवी को 85 फाइव परसेंट हासिल है तो आप समझ सकते हैं कि मूवी में वाकई ही दम है चलिए एक नज़र इसके बॉक्स ऑफिस इस कलेक्शन की तरफ ही डालते हैं क्योंकि कई बार लोग ये सोचते हैं अगर मूवी का कलेक्शन सही है तो ही हम इस मूवी को देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों मूवी का कलेक्शन काफ़ी बढ़िया रहा था ये मूवी दोस्तों जो थी वो लगभग चौदह करोड़ के बजट में बनाई गई थी और इस मूवी का जो कलेक्शन था वो लगभग दोस्तों 95 करोड़ का हुआ था मतलब आप समझ सकते हैं कि मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी हिट रही है इसके अलावा मूवी को काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है तो आप इसके बारे में जानते ही होगे अगर नहीं जानते हैं तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले एक नज़र इसकी स्टोरी के बारे में डालते हैं कि यहाँ पर आपको आखिरकार स्टोरी क्या देखने को मिलेंगी तो वैसे इस मूवी के दोस्तों जितने भी रिव्यू आए हैं तो बहुत ही बढ़िया रिव्यू है सब लोगों ने इसे अच्छा रिस्पांस दिया हुआ है मूवी दोस्तों जून 2004 को रिलीज हुई थी और उस टाइम पर मूवीज़ का इतना जो था माला माल था नहीं तो लोग जो है टूट पड़ते थे आज की आज की तरह पर फिर भी ये मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है इस मूवी को आप एक बार तो देख ही सकते हैं पहले जो मूवी थी वो हमें स्टार गोल्ड पर देखने को मिलती दे थी पर अब ये मूवी दोस्तों कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो कौन से टीवी चैनल पर आती है इसका अभी कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि मूवी जब भी टीवी पर रिलीज होती है तो जो टीवी वाले होते हैं वो पाँच साल के लिए लेते हैं या फिर कहीं दस साल के लिए लेते हैं तो वैसे में ये मूवी पूछ सकता है कि अब आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिले इस मूवी के अंदर दोस्तों बहुत सारे आपको ऐसे विरोधी भी देखने को मिलते हैं चलिए कहानी के बारे में बात करते हैं लक्ष्य में आपको अंतराल बिंदु पर युद्ध रेखाएं की जाती है और दूसरे हाफ में फोकस युद्ध पर ही यानी कि जो कारगिल जीतने पर और भारत को गौरवान्वित करने पर होता है लेकिन लेखक जावेद अख्तर ने बड़ी चतुराई कहानी में रोमांटिक थ्रेड भी डाला हुआ है ताकि फिल्म ऑपरेशन विजय पर एक डॉक्यूमेंट्री बनकर ना उभरे फिल्म भी दूसरे भाग में युद्ध के दृश्य को डर का एहसास कराते हैं और वो ईमानदारी से दोस्तों यहाँ पर आपको जो है जीत हासिल करने का मौका भी देते हैं ऐसे समय में जब भारत पाकिस्तान के रिश्ते चरम पर हैं क्या लक्ष्य जैसी फिल्म का जो है यहाँ पर मौका बनेगा या नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा दरअसल आपको कारगिल युद्ध के बारे में पता होगा तो आपको यहाँ पर पता ही होगा कि मूवी में आखिरकार कहानी क्या देखने को मिलेंगी वैसे तो कारगिल युद्ध है इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनाई गई है कुछ फिल्में काफी अच्छी रही है पर मेरे हिसाब से लगभग जो मूवी है वो हिट ही रही है बहुत ही कम ऐसी मूवी होगी जो कि देशभक्ति पर या फिर ऐसे वार पर बनाई जाए और फ्लॉप हुए तो दोस्तों ये मूवी भी इन्हीं में से एक है जो कि बॉक्स अब इस पर एक हिट साबित हुई है अगर मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में इस मूवी की जो स्टोरी है वो बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर जो मूवी का हीरो है इसका नाम करण रहता है अब होता यू है कि करण एक लक्षीण युवक होता है और इच्छा अनुसार भारतीय सेना में शामिल होता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी इच्छा यही होती है कि वो भारतीय सेना में शामिल हो गए और देश के लिए कुछ करेंगे लेकिन जब उसे एक सैनिक का जीवन कठिन लगता है तो पीछे हट जाता है जब इसे उसकी प्रेमिका के साथ टकराव पैदा होता है तो वह उसे गौरवान्वित करने के लिए फिर से शामिल हो जाता है तो यहाँ पर किसी भी इंसान के जीवन में कभी कोई ऐसी घटनाएं घटती है तो वापस अपने मोड़ में आता है तो शायद यहाँ पर मूवी का हीरो भी ऐसा ही कुछ करने चला था अब क्या से वो उस जंग को जीतता है ये जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा मूवी यूट्यूब पर रेंट पर उपलब्ध है जहाँ पर रेंट प्राइस फिफ्टी रुपीज़ है आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं बाकी अनऑफिशियल ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिले इसके बहुत ही कम चांस है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मूवी को जरूर देखेंगे आज हम इस वीडियो में ऋतिक रोशन की एक शानदार मूवी के बारे में ना ही सिर्फ बात करेंगे बल्कि अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर इसे इसे आप देख पाएंगे साथ ही में इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और कुछ फैक्ट भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ तो हो सकता है तो वीडियो को थोड़ा बहुत जरूर देखिएगा यहाँ पर मूवी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं मूवी का नाम लक्ष्य दिया गया है 2004 में ये मूवी रिलीज हुई थी और मूवी में आपको वॉर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है हाल ही में चुरजित प्रसन्न है उनकी मूवी है ये फाइटर हो सकता है कि आप में बहुत से बहुत लोग इसे देख चुके हैं और इनकी पुरानी मूवी लक्ष्य देखना चाहते हैं पर इस मूवी का रंटम काफ़ी ज़्यादा है लगभग तीन घंटे की मूवी रही है पर मूवी में जो रदशन है इनकी एक्टिंग सच में बहुत ही कमाल की है जो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है और ये मूवी भी दोस्तों ट्रो एवेंट पर बनाई गई है जो 1999 में कारगिल जो वार हुआ था इसी बार यह जो कहानी है वो बेस्ड है अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में थोड़ी बात करें तो जो आई है वहां पर भी इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है आई की तरफ से इस मूवी को दस में से सात पॉइंट आठ की रेटिंग मिली है इसके अलावा जो गूगल यूजर है वहां पर भी इस मूवी को काफी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है दोस्तों ये मूवी एक नहीं बल्कि चार जगह पर उपलब्ध है आप जहाँ चाहें वहां से इसे देख सकते हैं पर मैं आपको एकदम सिंपल वे बताऊंगा जहाँ से आप इसे एकदम सस्ते में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम वीडियो यूट्यूब और गूगल प्ले मूवीज और टीवी पर उपलब्ध है पर अगर आप इसे सस्ते में देखना चाहते हैं तो आप इसे YouTube पर देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी दोस्तों मूवी काफी बढ़िया है तो आपका जो रेंट का प्राइस है वो बिल्कुल भी होने वाला है बाकी ऐसे बहुत सारे अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप देख सकते हैं मूवी लीड लीडका स्कृति क्वासन प्रीति जिंता अमिताभ बच्चन शरद कपूर ओम पुरी बम ईरानी राजेंद्र नाथ जस्ती सुशांत सिंह परमित सेठी संजय एम सिंह अजय जोश रणवीर सोरे ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसमें देखने को मिलेंगे सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है स्पेशली यहाँ पर जो रिधिक रोशन है इन्होंने यहाँ पर दोस्तों बहुत ही गजब की एक्टिंग कर रखी है ये मूवी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है और मूवी को वैसे यूएस सेंसर किया गया है पर आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं जो रॉट एंड टोमेटो है वहाँ पर भी इस मूवी को 85 परसेंट हासिल है तो आप समझ सकते हैं कि मूवी में वाकई ही दम है चलिए एक नज़र इसके बॉक्स ऑफिस इस कलेक्शन की तरफ ही डालते हैं क्योंकि कई बार लोग ये सोचते हैं अगर मूवी का कलेक्शन सही है तो ही हम इस मूवी को देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों मूवी का कलेक्शन काफ़ी बढ़िया रहा था ये मूवी दोस्तों जो थी वो लगभग चौदह करोड़ के बजट में बनाई गई थी और इस मूवी का जो कलेक्शन था वो लगभग दोस्तों नाइन्टी फाइव करोड़ का हुआ था मतलब आप समझ सकते हैं कि मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी हिट रही है इसके अलावा मूवी को काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है तो आप इसके बारे में जानते ही होगे अगर नहीं जानते हैं तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले एक नज़र इसकी स्टोरी के बारे में डालते हैं कि यहाँ पर आपको आखिरकार स्टोरी क्या देखने को मिलेंगी तो वैसे इस मूवी के दोस्तों जितने भी रिव्यू आए हैं तो बहुत ही बढ़िया रिव्यू है सब लोगों ने इसे अच्छा रिस्पांस दिया हुआ है ये मूवी दोस्तों 18 जून 2004 को रिलीज हुई थी और उस टाइम पर मूवीज़ का इतना जो था माल था नहीं तो लोग जो है टूट पड़ते थे आज की आज की तरह पर फिर भी ये मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है इस मूवी को आप एक बार तो देख ही सकते हैं पहले जो मूवी थी वो हमें स्टार गोल्ड पर देखने को मिलती दे थी पर अब ये मूवी दोस्तों कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो कौन से टीवी चैनल पर आती है इसका अभी कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि मूवी जब भी टीवी पर रिलीज़ होती है तो जो टीवी वाले होते हैं वो पाँच साल के लिए लेते हैं या फिर कहीं दस साल के लिए लेते हैं तो वैसे में ये मूवी हो सकता है कि अब आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिले इस मूवी के अंदर दोस्तों बहुत सारे आपको ऐसे विरोधी भी देखने को मिलते हैं चलिए कहानी के बारे में बात करते हैं लक्ष्य में आपको अंतराल बिंदु पर युद्ध रेखाएं खींची जाती है और दूसरे हाफ में फोकस युद्ध पर ही यानी कि जो कारगिल जीतने पर और भारत को गौरवान्वित करने पर होता है लेकिन लेखक जावेद अख्तर ने बड़ी चतुराई से कहानी में रोमांटिक थ्रेड भी डाला हुआ है ताकि फिल्म ऑपरेशन विजय पर एक डॉक्यूमेंट्री बनकर ना उभरे फिल्म भी दूसरे भाग में युद्ध के दृश्य को डर का एहसास कराते हैं और वो ईमानदारी से दोस्तों यहाँ पर आपको जो है जीत हासिल करने का मौका भी देते हैं ऐसे समय में जब भारत पाकिस्तान के रिश्ते चरम पर हैं क्या लक्ष्य जैसी फिल्म काजू है यहाँ पर मौका बनेगा या नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा दरअसल आपको कारगिल युद्ध के बारे में पता होगा तो आपको यहाँ पर पता ही होगा कि मूवी में आखिरकार कहानी क्या देखने को मिलेंगी वैसे जो तो कारगिल युद्ध है इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनाई गई है कुछ फिल्में काफी अच्छी रही है पर मेरे हिसाब से लगभग जो मूवी है वो हिट ही रही है बहुत ही कम ऐसी मूवी होगी जो कि या वार पर बना ही जाए और फ्लॉप हुए तो दोस्तों ये मूवी भी इन्हीं में से एक है जो कि बॉक्स ऑफिस इस पर एक हिट साबित हुई है अगर मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में इस मूवी की जो स्टोरी है वो बताने की को कोशिश करूँ तो यहाँ पर जो मूवी का हीरो है इसका नाम करण रहता है अब होता यू है कि करण एक लक्षीण युवक होता है और इच्छा अनुसार भारतीय सेना में शामिल होता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी इच्छा यही होती है कि वो भारतीय सेना में शामिल हो गए और देश के लिए कुछ करेंगे लेकिन जब उसे एक सैनिक का जीवन कठिन लगता है तो पीछे हट जाता है जब इसे उसकी प्रेमिका के साथ टकराव पैदा होता है तो वह उसे गौरवान्वित करने के लिए फिर से शामिल हो जाता है तो यहाँ पर किसी भी इंसान के जीवन में कभी कोई ऐसी घटनाएं घटती है तो वापस अपने मोड़ में आता है तो शायद यहाँ पर मूवी का हीरो भी ऐसा ही कुछ करने चला था अब क्या से वो उस जंग को जीतता है ये जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा मूवी यूट्यूब पर रेंट पर उपलब्ध है जहाँ पर रेंट प्राइस फिफ्टी रुपीज है आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं बाकी अनऑफिशियली ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिले इसके बहुत ही कम चांस है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मूवी को जरूर देखेंगे आज हम इस वीडियो में रुधिक रोशन की एक शानदार मूवी के बारे में ना ही सिर्फ बात करेंगे बल्कि अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर इसे आप देख पाएंगे साथ ही में इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और कुछ फैक्ट भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ तो हो सके तो वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा यहाँ पर मूवी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं मूवी का नाम लक्ष्य दिया गया है दो में ये मूवी रिलीज हुई थी और मूवी में आपको वॉर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है हाल ही में जरुदिक रोशन है उनकी मूवी आई फाइटर हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इसे देख चुके हैं और इनकी पुरानी मूवी लक्ष्य देखना चाहते हैं पर इस मूवी का रन टन काफ़ी ज़्यादा है लगभग तीन घंटे की मूवी रही है पर मूवी में जुरु इक्रासन है इनकी एक्टिंग सच में बहुत ही कमाल की है जो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है और ये मूवी भी दोस्तों ट्रो एवेंट पर बनाई गई है जो 1999 में कारगिल जो वार हुआ था इसी बार ये जो कहानी है वो बेस्ड है अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में थोड़ी बात करें तो जो आई है वहाँ पर भी इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है आई की तरफ से इस मूवी को दस में से सात पॉइंट आठ की रेटिंग मिली है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है दोस्तों ये मूवी एक नहीं बल्कि चार जगह पर उपलब्ध है आप जहाँ चाहें वहाँ से इसे देख सकते हैं पर मैं आपको एकदम सिंपल वे बताऊंगा जहाँ से आप इसे एकदम सस्ते में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम वीडियो यूट्यूब और गूगल प्ले मूवीज और टी पर उपलब्ध है पर अगर आप इसे सस्ते में देखना चाहते हैं तो आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया है तो आपका जो रेंट का प्राइस है वो बिल्कुल भी वसूल होने वाला है बाकी ऐसे बहुत सारे अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप देख सकते हैं मूवी के लीड लीडका ऋतिक राशन प्रीति जिंता अमिताभ बच्चन शरद कपूर ओम पुरी बमो ईरानी राजेंद्र नाथ जस्ती सुशांत सिंह परमित सेठी संजय एम सिंह अजय जोस रणवीर सोरे ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसमें देखने को मिलेंगे सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है स्पेशली यहाँ पर जो ऋतिक राशन है इन्होंने यहाँ पर दोस्तों बहुत ही गजब की एक्टिंग कर रखी है ये मूवी दोस्तों काफी बढ़िया है और मूवी को वैसे यूएस सेंसर किया गया है पर आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं जो रॉट एंड टोमेटो है वहाँ पर भी इस मूवी को 85 फाइव परसेंट हासिल है तो आप समझ सकते हैं कि मूवी में वाकई ही दम है चलिए एक नज़र इसके बॉक्स ऑफिस इस कलेक्शन की तरफ ही डालते हैं क्योंकि कहीं बार लोग ये सोचते हैं अगर मूवी का कलेक्शन सही है तो ही हम इस मूवी को देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों मूवी का कलेक्शन काफ़ी बढ़िया रहा था ये मूवी दोस्तों जो थी वो लगभग चौदह करोड़ के बजट में बनाई गई थी और इस मूवी का जो कलेक्शन था वो लगभग दोस्तों नाइन्टी फाइव करोड़ का हुआ था मतलब आप समझ सकते हैं कि मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी हिट रही है इसके अलावा मूवी को काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है तो आप इसके बारे में जानते ही हो अगर नहीं जानते हैं तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले एक नज़र इसकी स्टोरी के बारे में डालते हैं कि यहाँ पर आपको आखिरकार स्टोरी क्या देखने को मिलेंगी तो वैसे इस मूवी के दोस्तों जितने भी रिव्यू आए हैं तो बहुत ही बढ़िया रिव्यू है सब लोगों ने इसे अच्छा रिस्पांस दिया हुआ है ये मूवी दोस्तों अठारह जून 2004 को रिलीज हुई थी और उस टाइम पर मूवीज का इतना जो था मालामाल था नहीं तो लोग जो है टूट पड़ते थे आज की आज की तरह पर फिर भी ये मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है इस मूवी को आप एक बार तो देख ही सकते हैं पहले जो मूवी थी वो हमें स्टार गोल्ड पर देखने को मिलती थी पर अब ये मूवी दोस्तों कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो कौन से टीवी चैनल पर आती है इसका अभी कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि मूवी जब भी टीवी पर रिलीज होती है तो जो टीवी वाले होते हैं वो पाँच साल के लिए लेते हैं या फिर कहीं दस साल के लिए लेते हैं तो वैसे में ये मूवी पूछ सकता है कि अब आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिले इस मूवी के अंदर दोस्तों बहुत सारे आपको ऐसे विरोधी भी देखने को मिलते हैं चलिए कहानी के बारे में बात करते हैं लक्ष्य में आपको अंतराल बिंदु पर युद्ध रेखाएं खींची जाती है और दूसरे हाफ में फोकस युद्ध पर ही यानी कि जो कारगिल जीतने पर और भारत को गौरवान्वित करने पर होता है लेकिन लेखक जावेद अख्तर ने बड़ी चतुराई से कहानी में रोमांटिक थ्रेड भी डाला हुआ है ताकि फिल्म ऑपरेशन विजय पर एक डॉक्यूमेंट्री बनकर ना उभरे फिल्म भी दूसरे भाग में युद्ध के दृश्य को डर का एहसास कराते हैं और वो ईमानदारी से दोस्तों यहाँ पर आपको जो है जीत हासिल करने का मौका भी देते हैं ऐसे समय में जब भारत पाकिस्तान के स्टेचरम पर है क्या लक्ष्य जैसी फिल्म का जो है यहाँ पर मौका बनेगा या नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा दरअसल आपको कारगिल युद्ध के बारे में पता होगा तो आपको यहाँ पर पता ही होगा कि मूवी में आखिरकार कहानी क्या देखने को मिलेंगी वैसे जो तो कारगिल युद्ध है इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनाई गई है कुछ फिल्में काफ़ी अच्छी रही है पर मेरे हिसाब से लगभग जो मूवी है वो हीट ही रही है बहुत ही कम ऐसी मूवी होगी जो कि देशभक्ति बार या फिर ऐसे वार पर बनाई जाए और फ्लॉप हुए तो दोस्तों ये मूवी भी इन्हीं में से एक है जो कि बॉक्स अब इस पर एक हिट साबित हुई है अगर मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में इस मूवी की जो स्टोरी है वो बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर जो मूवी का हीरो है इसका नाम करण रहता है अब होता यू है कि करण एक लक्षीण युवक होता है और इच्छा अनुसार भारतीय सेना में शामिल होता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी इच्छा यही होती है कि वो भारतीय सेना में शामिल हो गए और देश के लिए कुछ करेंगे लेकिन जब उसे एक सैनिक का जीवन कठिन लगता है तो पीछे हट जाता है जब इसे उसकी प्रेमिका के साथ टकराव पैदा होता है तो वह उसे गौरवान्वित करने के लिए फिर से शामिल हो जाता है तो यहाँ पर किसी भी इंसान के जीवन में कभी कोई ऐसी घटनाई घटती है तो वापस अपने मोड़ में आता है तो शायद यहाँ पर मूवी का हीरो भी ऐसा ही कुछ करने चला था अब क्या से वो उस जंग को जीतता है ये जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा मूवी यूट्यूब पर रेंट पर उपलब्ध है जहाँ पर रेंट प्राइस फिफ्टी रुपीज़ है आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं बाकी अनऑफिशियल ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिले इसके बहुत ही कम चांस है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मूवी को जरूर देखेंगे आज हम इस वीडियो में ऋतिक रोशन की एक शानदार मूवी के बारे में ना ही सिर्फ बात करेंगे बल्कि अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर इसे इसे आप देख पाएंगे साथ ही में इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और कुछ फैक्ट भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ तो हो सकता है तो वीडियो को थोड़ा बहुत जरूर देखिएगा यहाँ पर मूवी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं मूवी का नाम लक्ष्य दिया गया है 2004 में ये मूवी रिलीज हुई थी और मूवी में आपको वॉर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है हाल ही में ऋतिक रोशन है उनकी मूवी आई फाइटर हो सकता है कि आप में बहुत से बहुत लोग इसे देख चुके हैं और इनकी पुरानी मूवी लक्ष्य देखना चाहते हैं पर इस मूवी का रंटम काफ़ी ज़्यादा है लगभग तीन घंटे की मूवी रही है पर मूवी में जो रोधिक राशन है इनकी एक्टिंग सच में बहुत ही कमाल की है जो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है और ये मूवी भी दोस्तों ट्रो एवेंट पर बनाई गई है जो 1999 में कारगिल जो वार हुआ था इसी बार यह जो कहानी है वो बेस्ड है अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में थोड़ी बात करें तो जो आई है वहाँ पर भी इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है आई की तरफ से इस मूवी को दस में से सात पॉइंट आठ की रेटिंग मिली है इसके अलावा जो गूगल यूजर है वहां पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है दोस्तों ये मूवी एक नहीं बल्कि चार जगह पर उपलब्ध है आप जहाँ चाहें वहां से इसे देख सकते हैं पर मैं आपको एकदम सिंपल वे बताऊँगा जहाँ से आप इसे एकदम सस्ते में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम वीडियो यूट्यूब और गूगल प्ले मूवीज और टीवी पर उपलब्ध है पर अगर आप इसे सस्ते में देखना चाहते हैं तो आप इसे YouTube पर देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया है तो आपका जो रेंट का प्राइस है वो बिल्कुल भी वसूल होने वाला है बाकी ऐसे बहुत सारे अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप देख सकते हैं मूवी के लीड का श्रद्धिक वासन प्रीति जिंटा अमिताभ बच्चन शरद कपूर ओम पुरी बम ईरानी राजेंद्र नाथ जस्ती सुशांत सिंह परमित सेट्टी संजय एम सिंह अजय जोश रणवीर सोरे ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसमें देखने को मिलेंगे सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है स्पेशली यहाँ पर जो ऋतिक रोशन है इन्होंने यहाँ पर दोस्तों बहुत ही गजब की एक्टिंग कर रखी है ये मूवी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है और मूवी को वैसे यूएस सेंसर किया गया है पर आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं जो रॉट एन टोमेटो है वहाँ पर भी इस मूवी को 85 परसेंट हासिल है तो आप समझ सकते हैं कि मूवी में वाकई ही दम है चलिए एक नज़र इसके बॉक्स ऑफिस इस कलेक्शन की तरफ ही डालते हैं क्योंकि कहीं बार लोग ये सोचते हैं अगर मूवी का कलेक्शन सही है तो ही हम इस मूवी को देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों मूवी का कलेक्शन काफ़ी बढ़िया रहा था ये मूवी दोस्तों जो थी वो लगभग चौदह करोड़ के बजट में बनाई गई थी और इस मूवी का जो कलेक्शन था वो लगभग दोस्तों नाइन्टी फाइव करोड़ का हुआ था मतलब आप समझ सकते हैं कि मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी हिट रही है इसके अलावा मूवी को काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है तो आप इसके बारे में जानते ही होगे अगर नहीं जानते हैं तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले एक नज़र इसकी स्टोरी के बारे में डालते हैं कि यहाँ पर आपको आखिरकार स्टोरी क्या देखने को मिलेंगी तो वैसे इस मूवी के दोस्तों जितने भी रिव्यू आए हैं तो बहुत ही बढ़िया रिव्यू है सब लोगों ने इसे अच्छा रिस्पांस दिया हुआ है ये मूवी दोस्तों अठारह जून 2004 को रिलीज़ हुई थी और उस टाइम पर मूवीज़ का इतना जो था माल था नहीं तो लोग जो है टूट पढ़ते थे आज की आज की तरह पर फिर भी ये मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है इस मूवी को आप एक बार तो देख ही सकते हैं पहले जो मूवी थी वो हमें स्टार गोल्ड पर देखने को मिलती दे थी पर अब ये मूवी दोस्तों कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो कौन से टीवी चैनल पर आती है इसका अभी कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि मूवी जब भी टीवी पर रिलीज़ होती है तो जो टीवी वाले होते हैं वो पाँच साल के लिए लेते हैं या फिर कहीं दस साल के लिए लेते हैं तो वैसे में ये मूवी पूछ सकता है कि अब आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिले इस मूवी के अंदर दोस्तों बहुत सारे आपको ऐसे विरोधी भी देखने को मिलते हैं चलिए कहानी के बारे में बात करते हैं लक्ष्य में आपको अंतराल बिंदु पर युद्ध खींची जाती है और दूसरे हाफ में फोकस युद्ध पर यानी कि जो कारगिल जीतने पर और भारत को गौरवान्वित करने पर होता है लेकिन लेखक जावेद अख्तर ने बड़ी चतुराई से कहानी में रोमांटिक थ्रेड भी डाला हुआ है ताकि फिल्म ऑपरेशन विजय पर एक डॉक्यूमेंट्री बनकर ना उभरे फिल्म के दूसरे भाग में युद्ध के दृश्य को डर का एहसास कराते हैं और वो ईमानदारी से दोस्तों यहाँ पर आपको जो है जीत हासिल करने का मौका भी देते हैं ऐसे समय में जब भारत पाकिस्तान के रिश्ते चरम पर हैं क्या लक्ष्य जैसी फिल्म का जो है यहाँ पर मौका बनेगा या नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा दरअसल आपको कारगिल युद्ध के बारे में पता होगा तो आपको यहाँ पर पता ही होगा कि मूवी में आखिरकार कहानी क्या देखने को मिलेंगी वैसे जो तो कारगिल युद्ध है इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनाई गई है कुछ फिल्में काफी अच्छी रही है पर मेरे हिसाब से लगभग जो मूवी है वो हिट ही रही है बहुत ही कम ऐसी मूवी होगी जो कि देशभक्ति भक्ति पर या फिर ऐसे वार पर बनाई जाए और फ्लॉप हुए तो दोस्तों ये मूवी भी इन्ही में से एक है जो कि बॉक्स ऑफिस इस पर एक हिट साबित हुई है अगर मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में इस मूवी की जो स्टोरी है वो बताने की को कोशिश करूँ तो यहाँ पर जो मूवी का हीरो है इसका नाम करण रहता है अब होता यू है कि करण एक लक्षीण युवक होता है और इच्छा अनुसार भारतीय सेना में शामिल होता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी इच्छा यही होती है कि वो भारतीय सेना में शामिल हो गए और देश के लिए कुछ करेंगे लेकिन जब उसे एक सैनिक का जीवन कठिन लगता है तो पीछे हट जाता है जब इसे उसकी प्रेमिका के साथ टकराव पैदा होता है तो वह उसे गौरवान्वित करने के लिए फिर से शामिल हो जाता है तो यहाँ पर किसी भी इंसान के जीवन में कभी कोई ऐसी घटनाएँ घटती है तो वापस अपने मोड़ में आता है तो शायद यहाँ पर मूवी का हीरो भी ऐसा ही कुछ करने चला था अब क्या से वो उस जंग को जीतता है ये जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा मूवी यूट्यूब पर रेंट पर उपलब्ध है जहाँ पर रेंट प्राइस फिफ्टी रुपीज है आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं बाकी अनऑफिशियल ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिले इसके बहुत ही कम चांस है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मूवी को जरूर देखेंगे आज हम इस वीडियो में रुधिक रोशन की एक शानदार मूवी के बारे में ना ही सिर्फ बात करेंगे बल्कि अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर इसी इसे आप देख पाएंगे साथ ही में इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और कुछ फैक्ट भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ तो हो सके तो वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा यहाँ पर मूवी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं मूवी का नाम लक्ष्य दिया गया है 2004 में ये मूवी रिलीज हुई थी और मूवी में आपको वॉर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है हाल ही में जो रजिक रोशन है उनकी मूवी आई फाइटर हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इसे देख चुके हैं और इनकी पुरानी मूवी लक्ष्य देखना चाहते हैं पर इस मूवी का रंटम काफ़ी ज़्यादा है लगभग तीन घंटे की मूवी रही है पर मूवी में जो रजिक रोशन है इनकी एक्टिंग सच में बहुत ही कमाल की है जो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है और ये मूवी भी दोस्तों ट्रो एवेंट पर बनाई गई है जो 1999 में कारगिल जो वार हुआ था इसी पर ये जो कहानी है वो बेस्ड है अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में थोड़ी बात करें तो जो आई है वहाँ पर भी इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है आई की तरफ से इस मूवी को दस में से सात की रेटिंग मिली है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है दोस्तों ये मूवी एक नहीं बल्कि चार जगह पर उपलब्ध है आप जहाँ चाहें वहाँ से इसे देख सकते हैं पर मैं आपको एकदम सिंपल वे बताऊंगा जहाँ से आप इसे एकदम सस्ते में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स एमेजन प्राइम वीडियो यूट्यूब और गूगल प्ले मूवीज और टी पर उपलब्ध है पर अगर आप इसे सस्ते में देखना चाहते हैं तो आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया है तो आपका जो रेंट का प्राइस है वो बिल्कुल भी वसूल होने वाला है बाकी ऐसे बहुत सारे अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म हैं जहा से आप देख सकते हैं मूवी के लीड लीडका ऋतिक राशन प्रीति जिंता अमिताभ बच्चन शरद कपूर ओम पुरी बम ईरानी राजेंद्र नाथ जोस्ती सुशांत सिंह परमित सेठी संजय एम सिंह अजय जोस रणवीर सोरे ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसमें देखने को मिलेंगे सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है स्पेशली यहाँ पर जो ऋतिक रोशन है इन्होंने यहाँ पर दोस्तों बहुत ही गजब की एक्टिंग कर रखी है ये मूवी दोस्तों काफी बढ़िया है और मूवी को वैसे यूएस सेंसर किया गया है पर आप इसे फैमिले के साथ भी देख सकते हैं जो रॉट एंड टमेटो है वहाँ पर भी इस मूवी को 85 फाइव परसेंट हासिल है तो आप समझ सकते हैं कि मूवी में वाकई ही दम है चलिए एक नज़र इसके बॉक्स ऑफिस इस कलेक्शन की तरफ ही डालते हैं क्योंकि कहीं बार लोग ये सोचते हैं अगर मूवी का कलेक्शन सही है तो ही हम इस मूवी को देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों मूवी का कलेक्शन काफ़ी बढ़िया रहा था ये मूवी दोस्तों जो थी वो लगभग चौदह करोड़ के बजट में बनाई गई थी और इस मूवी का जो कलेक्शन था वो लगभग दोस्तों 95 करोड़ का हुआ था मतलब आप समझ सकते हैं कि मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी हिट रही है इसके अलावा मूवी को काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है तो आप इसके बारे में जानते ही हो अगर नहीं जानते हैं तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले एक नज़र इसकी स्टोरी के बारे में डालते हैं कि यहाँ पर आपको आखिरकार स्टोरी क्या देखने को मिलेंगी तो वैसे इस मूवी के दोस्तों जितने भी रिव्यू आए हैं तो बहुत ही बढ़िया रिव्यू है सब लोगों ने इसे अच्छा रिस्पॉन्स दिया हुआ है ये मूवी दोस्तों अठारह जून दो को रिलीज हुई थी और उस टाइम पर मूवीज़ का इतना जो था मालामाल था नहीं तो लोग जो है टूट पड़ते थे आज की आज की तरह पर फिर भी ये मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है इस मूवी को आप एक बार तो देख ही सकते हैं पहले जो मूवी थी वो हमें स्टार गोल्ड पर देखने को मिलती थी पर अब ये मूवी दोस्तों कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो कौन से टीवी चैनल पर आती है इसका अभी कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि मूवी जब भी टीवी पर रिलीज होती है तो जो टीवी वाले होते हैं वो पाँच साल के लिए लेते हैं या फिर कहीं दस साल के लिए लेते हैं तो वैसे में ये मूवी हो सकता है कि अब आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिले इस मूवी के अंदर दोस्तों बहुत सारे आपको ऐसे विरोधी भी देखने को मिलते हैं चलिए कहानी के बारे में बात करते हैं लक्ष्य में आपको अंतराल बिंदु पर युद्ध रेखाएं की जाती है और दूसरे हाफ में फोकस युद्ध पर ही यानी कि जो कारगिल जीतने पर और भारत को गौरवान्वित करने पर होता है लेकिन लेखक जावेद अख्तर ने बड़ी चतुराई से कहानी में रोमांटिक थ्रेड भी डाला हुआ है ताकि फिल्म ऑपरेशन विजय पर एक डॉक्यूमेंट्री बनकर ना उभरे फिल्म के दूसरे भाग में युद्ध के दृश्य को डर का एहसास कराते हैं और वो ईमानदारी से दोस्तों यहाँ पर आपको जो है जीत हासिल करने का मौका भी देते हैं ऐसे समय में जब भारत पाकिस्तान के रिश्ते चरम पर हैं क्या लक्ष्य जैसी फिल्म का जो है यहाँ पर मौका बनेगा या नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा दरअसल आपको कारगिल युद्ध के बारे में पता होगा तो आपको यहाँ पर पता ही होगा कि मूवी में आखिरकार कहानी क्या देखने को मिलेंगी वैसे तो कारगिल युद्ध है इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनाई गई है कुछ फिल्में काफी अच्छी रही है पर मेरे हिसाब से लगभग जो मूवी है वो हिट ही रही है बहुत ही कम ऐसी मूवी होगी जो कि देशभक्ति पर या फिर ऐसे वार पर बनाई जाए और फ्लॉप हुए तो दोस्तों ये मूवी भी इन्हीं में से एक है जो कि बॉक्स ऑफिस पर एक हिट साबित हुई है अगर मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में इस मूवी की जो स्टोरी है वो बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर जो मूवी का हीरो है इसका नाम करण रहता है अब होता यू है कि करण एक लक्षीण युवक होता है और इच्छा अनुसार भारतीय सेना में शामिल होता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी इच्छा यही होती है कि वो भारतीय सेना में शामिल हो गए और देश के लिए कुछ करेंगे लेकिन जब उसे एक सैनिक का जीवन कठिन लगता है तो पीछे हट जाता है जब इसे उसकी प्रेमिका के साथ टकराव पैदा होता है तो वह उसे गौरवान्वित करने के लिए फिर शामिल हो जाता है तो यहाँ पर किसी भी इंसान के जीवन में कभी कोई ऐसी घटनाएं घटती है तो वापस अपने मोड़ में आता है तो शायद यहाँ पर मूवी का हीरो भी ऐसा ही कुछ करने चला था अब क्या से वो उस जंग को जीतता है ये जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा मूवी यूट्यूब पर रेंट पर उपलब्ध है जहाँ पर रेंट प्राइस फिफ्टी रुपीज़ है आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं बाकी अनऑफिशियल ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिले इसके बहुत ही कम चांस है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मूवी को जरूर देखेंगे आज हम इस वीडियो में ऋतिक रोशन की एक शानदार मूवी के बारे में ना ही सिर्फ बात करेंगे बल्कि अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर इसे इसे आप देख पाएंगे साथ ही में इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और कुछ फैक्ट भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ तो हो सकता है तो वीडियो को थोड़ा बहुत जरूर देखिएगा यहाँ पर मूवी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं मूवी का नाम लक्ष्य दिया गया है 2004 में ये मूवी रिलीज हुई थी और मूवी में आपको वॉर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है हाल ही में चुर प्रसाद है उनकी मूवी आई फाइटर हो सकता है कि आप में बहुत से बहुत लोग इसे देख चुके हैं और इनकी पुरानी मूवी लक्ष्य देखना चाहते हैं पर इस मूवी का रंटम काफ़ी ज़्यादा है लगभग तीन घंटे की मूवी रही है पर मूवी में जो ऋतिक रोशन है इनकी एक्टिंग सच में बहुत ही कमाल की है जो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है और ये मूवी भी दोस्तों ट्रो एवेंट पर बनाई गई है जो 1999 में कारगिल जो वार हुआ था इसी बार ये जो कहानी है वो बेस्ड है अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में थोड़ी बात करें तो जो आई है वहाँ पर भी इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है आई की तरफ से इस मूवी को दस में से सात पॉइंट आठ की रेटिंग मिली है इसके अलावा जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है दोस्तों ये मूवी एक नहीं बल्कि चार जगह पर उपलब्ध है आप जहाँ चाहें वहाँ से इसे देख सकते हैं पर मैं आपको एकदम सिंपल वे बताऊँगा जहाँ से आप इसे एकदम सस्ते में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम वीडियो यूट्यूब और गूगल प्ले मूवीज और टीवी पर उपलब्ध है पर अगर आप इसे सस्ते में देखना चाहते हैं तो आप इसे YouTube पर देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी दोस्तों मूवी काफी बढ़िया है तो आपका जो रेंट का प्राइस है वो बिल्कुल भी वसूल होने वाला है बाकी ऐसे बहुत सारे अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप देख सकते हैं मूवी के लीड का स्मृति क्वासन प्रीति जिंता अमिताभ बच्चन शरद कपूर ओम पुरी बम ईरानी राजेंद्र नाथ जस्ती सुशांत सिंह परमित सेठी संजय एम सिंह अजय जोस रणवीर सोरे ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसमें देखने को मिलेंगे सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है स्पेशली यहाँ पर जो ऋतिक रोशन है इन्होंने यहाँ पर दोस्तों बहुत ही गजब की एक्टिंग कर रखी है ये मूवी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है और मूवी को वैसे यूएस सेंसर किया गया है पर आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं जो रॉट एंड टमेटो है वहाँ पर भी इस मूवी को 85 परसेंट हासिल है तो आप समझ सकते हैं कि मूवी में वाकई ही दम है चलिए एक नज़र इसके बॉक्स ऑफिस इस कलेक्शन की तरफ ही डालते हैं क्योंकि कहीं बार लोग ये सोचते हैं अगर मूवी का कलेक्शन सही है तो ही हम इस मूवी को देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों मूवी का कलेक्शन काफ़ी बढ़िया रहा था ये मूवी दोस्तों जो थी वो लगभग चौदह करोड़ के बजट में बनाई गई थी और इस मूवी का जो कलेक्शन था वो लगभग दोस्तों नाइन्टी फाइव करोड़ का हुआ था मतलब आप समझ सकते हैं कि मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी हिट रही है इसके अलावा मूवी को काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है तो आप इसके बारे में जानते ही होगे अगर नहीं जानते हैं तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले एक नज़र इसकी स्टोरी के बारे में डालते हैं कि यहाँ पर आपको आखिरकार स्टोरी क्या देखने को मिलेंगी तो वैसे इस मूवी के दोस्तों जितने भी रिव्यू आए हैं तो बहुत ही बढ़िया रिव्यू है सब लोगों ने इसे अच्छा रिस्पांस दिया हुआ है ये मूवी दोस्तों अठारह जून 2004 को रिलीज़ हुई थी और उस टाइम पर मूवीज़ का इतना जो था वो माल था नहीं तो लोग जो है टूट पढ़ते थे आज की आज की तरह पर फिर भी ये मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है इस मूवी को आप एक ही बार तो देख ही सकते हैं पहले जो मूवी थी वो हमें स्टार गोल्ड पर देखने को मिलती दे थी पर अब ये मूवी दोस्तों कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो कौन से टीवी चैनल पर आती है इसका अभी कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि मूवी जब भी टीवी पर रिलीज़ होती है तो जो टीवी वाले होते हैं वो पाँच साल के लिए लेते हैं या फिर कहीं दस साल के लिए लेते हैं तो वैसे में ये मूवी पूछ सकता है कि अब आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिले इस मूवी के अंदर दोस्तों बहुत सारे आपको ऐसे विरोधियों भी देखने को मिलते हैं चलिए कहानी के बारे में बात करते हैं। में आपको पर जाती है। और हाँ गौरवान्वित करने पर होता है लेकिन लेखक जावेद अख्तर ने बड़ी चतुराई से कहानी में रोमांटिक थ्रेड भी डाला हुआ है ताकि फिल्म ऑपरेशन विजय पर एक डॉक्यूमेंट्री बनकर ना उभरे फिल्म के दूसरे भाग में युद्ध के दृश्य को डर का एहसास कराते हैं और वो ईमानदारी से दोस्तों यहाँ पर आपको जो है जीत हासिल करने का मौका भी देते हैं ऐसे समय में जब भारत पाकिस्तान के रिश्ते चरम पर हैं क्या लक्ष्य जैसी फिल्म का जो है यहाँ पर मौका बनेगा या नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा दरअसल आपको कारगिल युद्ध के बारे में पता होगा तो आपको यहाँ पर पता ही होगा कि मूवी में आखिरकार कहानी क्या देखने को मिलेंगी वैसे जो तो कारगिल युद्ध है इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनाई गई है कुछ फिल्में काफ़ी अच्छी रही है पर मेरे हिसाब से लगभग जो मूवी है वो हिट ही रही है बहुत ही कम ऐसी मूवी होगी जो कि देशभक्ति पर या फिर ऐसे वार पर बनाई जाए और फ्लॉप हुए तो दोस्तों ये मूवी भी इन्हीं में से एक है जो कि बॉक्स ऑफिस पर एक हिट साबित हुई है अगर मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में इस मूवी की जो स्टोरी है वो बताने की को कोशिश करूँ तो यहाँ पर जो मूवी का हीरो है इसका नाम करण रहता है अब होता यू है कि करण ही एक लक्षीण युवक होता है और इच्छा अनुसार भारतीय सेना में शामिल होता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी इच्छा यही होती है कि वो भारतीय सेना में शामिल हो गए और देश के लिए कुछ करेंगे लेकिन जब उसे एक सैनिक का जीवन कठिन लगता है तो पीछे हट जाता है जब इससे उसकी प्रेमिका के साथ टकराव पैदा होता है तो वह उसे गौरवान्वित करने के लिए फिर से शामिल हो जाता है तो यहाँ पर किसी भी इंसान के जीवन में कभी कोई ऐसी घटनाएं घटती है तो वापस अपने मोड़ में आता है तो शायद यहाँ पर मूवी का हीरो भी ऐसा ही कुछ करने चला था अब क्या से वो उस जंग को जीतता है ये जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा मूवी यूट्यूब पर रेंट पर उपलब्ध है जहाँ पर रेंट प्राइस फिफ्टी रुपीज़ है आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं बाकी अनऑफिशियली ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिले इसके बहुत ही कम चांस है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मूवी को ज़रूर देखेंगे आज हम इस वीडियो में ऋतिक रोशन की एक शानदार मूवी के बारे में ना ही सिर्फ बात करेंगे बल्कि अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर इसी इसे आप देख पाएंगे साथ ही में इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और कुछ फैक्ट भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ तो हो सके तो वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा यहाँ पर मूवी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं मूवी का नाम लक्ष्य दिया गया है 2004 में ये मूवी रिलीज हुई थी और मूवी में आपको वॉर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है हाल ही में जो रजिक रोशन है उनकी मूवी है ये फाइटर हो सकता है कि आप में बहुत से बहुत लोग इसे देख चुके हैं और इनकी पुरानी मूवी लक्ष्य देखना चाहते हैं पर इस मूवी का रंटम काफ़ी ज़्यादा है लगभग तीन घंटे की मूवी रही है पर मूवी में जो रजिक रॉसन है इनकी एक्टिंग सच में बहुत ही कमाल की है जो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है और ये मूवी भी दोस्तों ट्रो एवेंट पर बनाई गई है जो 1999 में कारगिल जो वार हुआ था इसी बार ये जो कहानी है वो बेस्ड है अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में थोड़ी बात करें तो जो आई है वहाँ पर भी इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है आई की तरफ से इस मूवी को दस में से सात की रेटिंग मिली है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है दोस्तों ये मूवी एक नहीं बल्कि चार जगह पर उपलब्ध है आप जहाँ चाहें वहाँ से इसे देख सकते हैं पर मैं आपको एकदम सिंपल वे बताऊंगा जहाँ से आप इसे एकदम सस्ते में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम वीडियो यूट्यूब और गूगल प्ले मूवीज और टी पर उपलब्ध है पर अगर आप इसे सस्ते में देखना चाहते हैं तो आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया है तो आपका जो रेंट का प्राइस है वो बिल्कुल भी वसूल होने वाला है बाकी ऐसे बहुत सारे अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म हैं जहा से आप देख सकते हैं मूवी के लीड लीडका ऋतिक रोशन प्रीति जिंता अमिताभ बच्चन शरद कपूर ओम पुरी बमो ईरानी राजेंद्र नाथ जोस्ती सुशांत सिंह परमित सेठी संजय एम सिंह अजय जोस रणवीर सोरे ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसमें देखने को मिलेंगे सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है स्पेशली यहाँ पर जो ऋतिक रोशन है इन्होंने यहाँ पर दोस्तों बहुत ही गजब की एक्टिंग कर रखी है ये मूवी दोस्तों काफी बढ़िया है और मूवी को वैसे यूएस सेंसर किया गया है पर आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं जो रॉट एंड टमेटो है वहाँ पर भी इस मूवी को 85 फाइव परसेंट हासिल है तो आप समझ सकते हैं कि मूवी में वाकई ही दम है चलिए एक नज़र इसके बॉक्स ऑफिस इस कलेक्शन की तरफ ही डालते हैं क्योंकि कहीं बार लोग ये सोचते हैं अगर मूवी का कलेक्शन सही है तो ही हम इस मूवी को देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों मूवी का कलेक्शन काफ़ी बढ़िया रहा था ये मूवी दोस्तों जो थी वो लगभग चौदह करोड़ के बजट में बनाई गई थी और इस मूवी का जो कलेक्शन था वो लगभग दोस्तों 95 करोड़ का हुआ था मतलब आप समझ सकते हैं कि मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी हिट रही है इसके अलावा मूवी को काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है तो आप इसके बारे में जानते ही हो अगर नहीं जानते हैं तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले एक नज़र इसकी स्टोरी के बारे में डालते हैं कि यहाँ पर आपको आखिरकार स्टोरी क्या देखने को मिलेंगी तो वैसे इस मूवी के दोस्तों जितने भी रिव्यू आए हैं तो बहुत ही बढ़िया रिव्यू है सब लोगों ने इसे अच्छा रिस्पॉन्स दिया हुआ है ये मूवी दोस्तों अठारह जून दो को रिलीज हुई थी और उस टाइम पर मूवीज़ का इतना जो था मालामाल था नहीं फिर लोग जो है टूट पड़ते थे आज की आज की तरह पर फिर भी ये मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है इस मूवी को आप एक बार तो देख ही सकते हैं पहले जो मूवी थी वो हमें स्टार गोल्ड पर देखने को मिलती दे थी पर अब ये मूवी दोस्तों कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो कौन से टीवी चैनल पर आती है इसका अभी कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि मूवी जब भी टीवी पर रिलीज होती है तो जो टीवी वाले होते हैं वो पाँच साल के लिए लेते हैं या फिर कहीं दस साल के लिए लेते हैं तो वैसे में ये मूवी पूछ सकता है कि अब आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिले इस मूवी के अंदर दोस्तों बहुत सारे आपको ऐसे विरोधी भी देखने को मिलते हैं चलिए कहानी के बारे में बात करते हैं लक्ष्य में आपको अंतराल बिंदु पर युद्ध रेखाएं खींची जाती है और दूसरे हाफ में फोकस युद्ध पर ही यानी कि जो कारगिल जीतने पर और भारत को गौरवान्वित करने पर होता है लेकिन लेखक जावेद अख्तर ने बड़ी चतुराई से कहानी में रोमांटिक थ्रेड भी डाला हुआ है ताकि फिल्म ऑपरेशन विजय पर एक डॉक्यूमेंट्री बनकर न उभरे फिल्म भी दूसरे भाग में युद्ध के दृश्य को डर का एहसास कराते हैं और वो ईमानदारी से दोस्तों यहाँ पर आपको जो है जीत हासिल करने का मौका भी देते हैं ऐसे समय में जब भारत पाकिस्तान के रिश्ते चरम पर हैं क्या लक्ष्य जैसी फिल्म काजू है यहाँ पर मौका बनेगा या नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा दरअसल आपको कारगिल युद्ध के बारे में पता होगा तो आपको यहाँ पर पता ही होगा कि मूवी में आकर कर कहानी क्या देखने को मिलेंगी वैसे जो तो कारगिल युद्ध है इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनाई गई है कुछ फिल्में काफी अच्छी रही है पर मेरे हिसाब से लगभग जो मूवी है वो हिट ही रही है बहुत ही कम ऐसी मूवी होगी जो कि देशभक्ति पर या फिर ऐसे वार पर बनाई जाए और फ्लॉप हुए तो दोस्तों ये मूवी भी इन्हीं में से एक है जो कि बॉक्स ऑफिस पर एक हिट साबित हुई है अगर मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में इस मूवी की जो स्टोरी है वो बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर जो मूवी का हीरो है इसका नाम करण रहता है अब होता यू है कि करण एक लक्षीण युवक होता है और इच्छा अनुसार भारतीय सेना में शामिल होता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी इच्छा यही होती है कि वो भारतीय सेना में शामिल हो गए और देश के लिए कुछ करेंगे लेकिन जब उसे एक सैनिक का जीवन कठिन लगता है तो पीछे हट जाता है जब इसे उसकी प्रेमिका के साथ टकराव पैदा होता है तो वह उसे गौरवान्वित करने के लिए फिर से शामिल हो जाता है तो यहाँ पर किसी भी इंसान के जीवन में कभी कोई ऐसी घटनाएं घटती है तो वापस अपने मोड़ में आता है तो शायद यहाँ पर मूवी का हीरो भी ऐसा ही कुछ करने चला था अब क्या से वो उस जंग को जीतता है ये जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा मूवी यूट्यूब पर रेंट पर उपलब्ध है जहाँ पर रेंट प्राइस फिफ्टी रुपीज़ है आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं बाकी अनऑफिशियली ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिले इसके बहुत ही कम चांस है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मूवी को ज़रूर देखेंगे आज हम इस वीडियो में ऋतिक रोशन की एक शानदार मूवी के बारे में ना ही सिर्फ बात करेंगे बल्कि अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर इसे आप देख पाएंगे साथ ही में इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और कुछ फैक्ट भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ तो हो सकता है तो वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा यहाँ पर मूवी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं मूवी का नाम लक्ष्य दिया गया है 2004 में ये मूवी रिलीज़ हुई थी और मूवी में आपको वॉर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है हाल ही में चुर प्रसाद है उनकी मूवी आई फाइटर हो सकता है कि आप में बहुत से बहुत लोग इसे देख चुके हैं और इनकी पुरानी मूवी लक्ष्य देखना चाहते हैं पर इस मूवी का रंटम काफ़ी ज़्यादा है लगभग तीन घंटे की मूवी रही है पर मूवी में जो रजिक राशन है इनकी एक्टिंग सच में बहुत ही कमाल की है जो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है और ये मूवी भी दोस्तों ट्रो एवेंट पर बनाई गई है जो 1999 में कारगिल जो वार हुआ था इसी बार यह जो कहानी है वो बेस्ड है अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में थोड़ी बात करें तो जो आई है वहां पर भी इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है आई की तरफ से इस मूवी को दस में से सात पॉइंट आठ की रेटिंग मिली है इसके अलावा जो गूगल यूजर है वहां पर भी इस मूवी को काफी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है दोस्तों ये मूवी एक नहीं बल्कि चार जगह पर उपलब्ध है आप जहाँ चाहें वहां से इसे देख सकते हैं पर मैं आपको एकदम सिंपल वे बताऊंगा जहाँ से आप इसे एकदम सस्ते में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम वीडियो यूट्यूब और गूगल प्ले मूवीज और टीवी पर उपलब्ध है पर अगर आप इसे सस्ते में देखना चाहते हैं तो आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी दोस्तों मूवी काफी बढ़िया है तो आपका जो रेंट का प्राइस है वो बिल्कुल भी वसूल होने वाला है बाकी ऐसे बहुत सारे अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप देख सकते हैं मूवी की का स्कृति क्वासन प्रीति जिंता अमिताभ बच्चन शरद कपूर ओम पुरी बम ईरानी राजेंद्र नाथ जस्ती सुशांत सिंह परमित सेठी संजय एम सिंह अजय जोश रणवीर सोरे ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसमें देखने को मिलेंगे सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है स्पेशली यहाँ पर जो ऋतिक राशन है इन्होंने यहाँ पर दोस्तों बहुत ही गजब की एक्टिंग कर रखी है ये मूवी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है और मूवी को वैसे यूएस सेंसर किया गया है पर आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं जो रॉट एन टोमेटो है वहाँ पर भी इस मूवी को 85 परसेंट हासिल है तो आप समझ सकते हैं कि मूवी में वाकई ही दम है चलिए एक नज़र इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ भी डालते हैं क्योंकि कहीं बार लोग ये सोचते हैं अगर मूवी का कलेक्शन सही है तो ही हम इस मूवी को देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों मूवी का कलेक्शन काफ़ी बढ़िया रहा था ये मूवी दोस्तों जो थी वो लगभग चौदह करोड़ के बजट में बनी गई थी और इस मूवी का जो कलेक्शन था वो लगभग दोस्तों नाइन्टी फाइव करोड़ का हुआ था मतलब आप समझ सकते हैं कि मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी हिट रही है इसके अलावा मूवी को काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है तो आप इसके बारे में जानते ही हो अगर नहीं जानते हैं तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले एक नज़र इसकी स्टोरी के बारे में डालते हैं कि यहाँ पर आपको आखिरकार स्टोरी क्या देखने को मिलेंगी तो वैसे इस मूवी के दोस्तों जितने भी रिव्यू आए हैं तो बहुत ही बढ़िया रिव्यू है सब लोगों ने इसे अच्छा रिस्पांस दिया हुआ है ये मूवी दोस्तों अठारह जून 2004 को रिलीज हुई थी और उस टाइम पर मूवीज़ का इतना जो था माल था नहीं तो लोग जो है टूट पड़ते थे आज की आज की तरह पर फिर भी ये मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है इस मूवी को आप एक ही बार तो देख ही सकते हैं पहले जो मूवी थी वो हमें स्टार गोल्ड पर देखने को मिलती दे थी पर अब ये मूवी दोस्तों कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो कौन से टी वी चैनल पर आती है इसका अभी कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि मूवी जब भी टी वी पर रिलीज़ होती है तो जो टी वी वाले होते हैं वो पाँच साल के लिए लेते हैं या फिर कहीं दस साल के लिए लेते हैं तो वैसे में ये मूवी हो सकता है कि अब आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिले इस मूवी के अंदर दोस्तों बहुत सारे आपको ऐसे विरोधी भी देखने को मिलते हैं चलिए कहानी और, में फोकस जो पर और को करने पर होता है लेकिन लेखक जावेद अख्तर ने बड़ी चतुराई से कहानी में रोमांटिक थ्रेड भी डाला हुआ है ताकि फिल्म ऑपरेशन विजय पर एक डॉक्यूमेंट्री बनकर ना उभरे फिल्म के दूसरे भाग में युद्ध के दृश्य को डर का एहसास कराते हैं और वो ईमानदारी से दोस्तों यहाँ पर आपको जो है जीत हासिल करने का मौका भी देते हैं ऐसे समय में जब भारत पाकिस्तान के इसते चरम पर है या लक्ष्य जैसी फिल्म का जो है यहाँ पर मौका बनेगा या नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा दरअसल आपको कारगिल युद्ध के बारे में पता होगा तो आपको यहाँ पर पता ही होगा कि मूवी में आखिरकार कहानी क्या देखने को मिलेंगी वैसे जो तो कारगिल युद्ध है इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनाई गई है कुछ फिल्में काफी अच्छी रही है पर मेरे हिसाब से लगभग जो मूवी है वो हिट ही रही है बहुत ही कम ऐसी मूवी होगी जो कि देशभक्ति पर या फिर ऐसे वार पर बनाई जाए और फ्लॉप हुए तो दोस्तों ये मूवी भी इन्हीं में से एक है जो कि बॉक्स अब इस पर एक हिट साबित हुई है अगर मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में इस मूवी की जो स्टोरी है वो बताने की को कोशिश करूँ तो यहाँ पर जो मूवी का हीरो है इसका नाम करण रहता है अब होता यू है कि करण एक युवक होता है और इच्छा अनुसार भारतीय सेना में शामिल होता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी इच्छा यही होती है कि वो भारतीय सेना में शामिल हो गए और देश के लिए कुछ करेंगे लेकिन जब उसे एक सैनिक का जीवन कठिन लगता है तो पीछे हट जाता है जब इससे उसकी प्रेमिका के साथ टकराव पैदा होता है तो वह उसे गौरवान्वित करने के लिए फिर से शामिल हो जाता है तो यहाँ पर किसी भी इंसान के जीवन में कभी कोई ऐसी घटनाएं घटती है तो वापस उस अपने मोड़ में आता है तो शायद यहाँ पर मूवी का हीरो भी ऐसा ही कुछ करने चला था अब क्या से वो उस जंग को जीतता है ये जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा मूवी यूट्यूब पर रेंट पर उपलब्ध है जहाँ पर रेंट प्राइस फिफ्टी रुपीज़ है आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं बाकी अनऑफिशियली ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिले इसके बहुत ही कम चांस है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मूवी को ज़रूर देखेंगे आज हम इस वीडियो में रुतिक रोशन की एक शानदार मूवी के बारे में ना ही सिर्फ बात करेंगे बल्कि अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर इसे आप देख पाएंगे साथ ही में इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और कुछ फैक्ट भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ तो हो सके तो वीडियो को थोड़ा बहुत जरूर देखिएगा यहाँ पर मूवी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं मूवी का नाम लक्ष्य दिया गया है 2004 में ये मूवी रिलीज हुई थी और मूवी में आपको वॉर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है हाल ही में जो रजासन है उनकी मूवी है ये फाइटर हो सकता है कि आप में बहुत से बहुत लोग इसे देख चुके हैं और इनकी पुरानी मूवी लक्ष्य देखना चाहते हैं पर इस मूवी का रंटम काफ़ी ज़्यादा है लगभग तीन घंटे की मूवी रही है पर मूवी में जरुद्रासन है इनकी एक्टिंग सच में बहुत ही कमाल की है जो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है और ये मूवी भी दोस्तों ट्रो एवेंट पर बनाई गई है जो 1999 में कारगिल जो वार हुआ था इसी बार ये जो कहानी है वो बेस्ड है अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में थोड़ी बात करें तो जो आई है वहाँ पर भी इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है आई की तरफ से इस मूवी को दस में से सात की रेटिंग मिली है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है दोस्तों ये मूवी एक नहीं बल्कि चार जगह पर उपलब्ध है आप जहाँ चाहे वहां से इसे देख सकते हैं पर मैं आपको एकदम सिंपल वे बताऊंगा जहाँ से आप इसे एकदम सस्ते में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम वीडियो यूट्यूब और गूगल प्ले मूवीज और टीवी पर उपलब्ध है पर अगर आप इसे सस्ते में देखना चाहते हैं तो आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया है तो आपका जो रेंट का प्राइस है वो बिल्कुल भी वसूल होने वाला है बाकी ऐसे बहुत सारे अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप देख सकते हैं मूवी के लीड लीडका ऋतिक रोशन प्रीति जिंता अमिताभ बच्चन शरद कपूर ओम पुरी बम ईरानी राजेंद्र नाथ जोस्ती सुशांत सिंह परमित सेठी संजय एम सिंह अजय जोस रणवीर सोरे ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसमें देखने को मिलेंगे सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है स्पेशली यहाँ पर जो ऋतिक रोशन है इन्होंने यहाँ पर दोस्तों बहुत ही गजब की एक्टिंग कर रखी है ये मूवी दोस्तों काफी बढ़िया है और मूवी को वैसे यूएस सेंसर किया गया है पर आप इसे फैमिले के साथ भी देख सकते हैं जो रॉट एन टोमेटो है वहाँ पर भी इस मूवी को 85 फाइव परसेंट हासिल है तो आप समझ सकते हैं कि मूवी में वाकई ही दम है चलिए एक नज़र इसके बॉक्स ऑफिस इस कलेक्शन की तरफ ही डालते हैं क्योंकि कहीं बार लोग ये सोचते हैं अगर मूवी का कलेक्शन सही है तो ही हम इस मूवी को देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों मूवी का कलेक्शन काफ़ी बढ़िया रहा था ये मूवी दोस्तों जो थी वो लगभग चौदह करोड़ के बजट में बनाई गई थी और इस मूवी का जो कलेक्शन था वो लगभग दोस्तों 95 करोड़ का हुआ था मतलब आप समझ सकते हैं कि मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी हिट रही है इसके अलावा मूवी को काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है तो आप इसके बारे में जानते ही हो अगर नहीं जानते हैं तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले एक नज़र इसकी स्टोरी के बारे में डालते हैं कि यहाँ पर आपको आखिरकार स्टोरी क्या देखने को मिलेंगी तो वैसे इस मूवी के दोस्तों जितने भी रिव्यू आए हैं तो बहुत ही बढ़िया रिव्यू है सब लोगों ने इसे अच्छा रिस्पांस दिया हुआ है ये मूवी दोस्तों अठारह जून 2004 को रिलीज हुई थी और उस टाइम पर मूवीज़ का इतना जो था मालामाल था नहीं फिर लोग जो है टूट पड़ते थे आज की आज की तरह पर फिर भी ये मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है इस मूवी को आप एक बार तो देख ही सकते हैं पहले जो मूवी थी वो हमें स्टार गोल्ड पर देखने को मिलती दे थी पर अब ये मूवी दोस्तों कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो कौन से टीवी चैनल पर आती है इसका अभी कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि मूवी जब भी टी वी पर रिलीज होती है तो जो टी वी वाले होते हैं वो पाँच साल के लिए लेते हैं या फिर कहीं दस साल के लिए लेते हैं तो वैसे में ये मूवी हो सकता है कि अब आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिले इस मूवी के अंदर दोस्तों बहुत सारे आपको ऐसे विरोधी भी देखने को मिलते हैं चलिए कहानी के बारे में बात करते हैं लक्ष्य में आपको अंतराल बिंदु पर युद्ध रेखाएं खींची जाती है और दूसरे हाफ में फोकस युद्ध पर ही यानी कि जो कारगिल जीतने पर और भारत को गौरवान्वित करने पर होता है लेकिन लेखक जावेद अख्तर ने बड़ी जो से कहानी में रोमांटिक थ्रेड भी डाला हुआ है ताकि फिल्म ऑपरेशन विजय पर एक डॉक्यूमेंट्री बनकर न उभरे फिल्म भी दूसरे भाग में युद्ध के दृश्य को डर का एहसास कराते हैं और वो ईमानदारी से दोस्तों यहाँ पर आपको जो है जीत हासिल करने का मौका भी देते हैं ऐसे समय में जब भारत पाकिस्तान के रिश्ते चरम पर हैं क्या लक्ष्य जैसी फिल्म का जो है यहाँ पर मौका बनेगा या नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा दरअसल आपको कारगिल युद्ध के बारे में पता होगा तो आपको यहाँ पर पता ही होगा कि मूवी में आकर कहानी क्या देखने को मिलेंगी वैसे तो कारगिल युद्ध है इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनाई गई है कुछ फिल्में काफी अच्छी रही है पर मेरे हिसाब से लगभग जो मूवी है वो हिट ही रही है बहुत ही कम ऐसी मूवी होगी जो कि देशभक्ति पर या फिर ऐसे वार पर बनाई जाए और फ्लॉप हुए तो दोस्तों ये मूवी भी इन्हीं में से एक है जो कि बॉक्स ऑफिस पर एक हिट साबित हुई है अगर मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में इस मूवी की जो स्टोरी है वो बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर जो मूवी का हीरो है इसका नाम करण रहता है अब होता यू है कि करण एक लक्षण युवक होता है और इच्छा अनुसार भारतीय सेना में शामिल होता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी इच्छा यही होती है कि वो भारतीय सेना में शामिल हो गए और देश के लिए कुछ करेंगे लेकिन जब उसे एक सैनिक का जीवन कठिन लगता है तो पीछे हट जाता है जब इसे उसकी प्रेमिका के साथ टकराव पैदा होता है तो वह उसे गौरवान्वित करने के लिए फिर से शामिल हो जाता है तो यहाँ पर किसी भी इंसान के जीवन में कभी कोई ऐसी घटनाएं घटती है तो वापस अपने मोड़ में आता है तो शायद यहाँ पर मूवी का हीरो भी ऐसा ही कुछ करने चला था अब क्या से वो उस जंग को जीतता है ये जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा मूवी यूट्यूब पर रेंट पर उपलब्ध है जहाँ पर रेंट प्राइस फिफ्टी रुपीज़ है आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं बाकी अनऑफिशियली ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिले इसके बहुत ही कम चांस है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मूवी को जरूर देखेंगे आज हम इस वीडियो में ऋतिक रोशन की एक शानदार मूवी के बारे में ना ही सिर्फ बात करेंगे बल्कि अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर इसे आप देख पाएंगे साथ ही में इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और कुछ फैक्ट भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ तो हो सकता है तो वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा यहाँ पर मूवी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं मूवी का नाम लक्ष्य दिया गया है 2004 में ये मूवी रिलीज हुई थी और मूवी में आपको वॉर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है हाल ही में चुरान है उनकी मूवी है फाइटर हो सकता है कि आप में बहुत से बहुत लोग इसे देख चुके हैं और इनकी पुरानी मूवी लक्ष्य देखना चाहते हैं पर इस मूवी का रंटम काफ़ी ज़्यादा है लगभग तीन घंटे की मूवी रही है पर मूवी में जो ऋतिक रॉसन है इनकी एक्टिंग सच में बहुत ही कमाल की है जो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है और ये मूवी भी दोस्तों ट्रो एवेंट पर बनाई गई है जो 1999 में कारगिल जो वार हुआ था इसी बार यह जो कहानी है वो बेस्ड है अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में थोड़ी बात करें तो जो आई है वहाँ पर भी इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है आई की तरफ से इस मूवी को दस में से सात पॉइंट आठ की रेटिंग मिली है इसके अलावा जो गूगल यूजर है वहां पर भी इस मूवी को काफी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है दोस्तों ये मूवी एक नहीं बल्कि चार जगह पर उपलब्ध है आप जहाँ चाहें वहां से इसे देख सकते हैं पर मैं आपको एकदम सिंपल वे बताऊंगा जहाँ से आप इसे एकदम सस्ते में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम वीडियो यूट्यूब और गूगल प्ले मूवीज और टीवी पर उपलब्ध है पर अगर आप इसे सस्ते में देखना चाहते हैं तो आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी दोस्तों मूवी काफी बढ़िया है तो आपका जो रेंट का प्राइस है वो बिल्कुल भी वसूल होने वाला है बाकी ऐसे बहुत सारे अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म हैं, जहां से आप देख सकते हैं मूवी की का स्मृति वासन प्रीति जिंता अमिताभ बच्चन शरद कपूर ओम पुरी बम ईरानी राजेंद्र नाथ जोस्ती सुशांत सिंह परमित सेठी संजय एम सिंह अजय जोश रणवीर सोरे ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसमें देखने को मिलेंगे सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है स्पेशली यहाँ पर जो ऋतिक राशन है इन्होंने यहाँ पर दोस्तों बहुत ही गजब की एक्टिंग कर रखी है ये मूवी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है और मूवी को वैसे यूएस सेंसर किया गया है पर आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं जो रॉट एन टोमेटो है वहाँ पर भी इस मूवी को 85 परसेंट हासिल है तो आप समझ सकते हैं कि मूवी में वाकई ही दम है चलिए एक नज़र इसके बॉक्स ऑफिस इस कलेक्शन की तरफ ही डालते हैं क्योंकि कहीं बार लोग ये सोचते हैं अगर मूवी का कलेक्शन सही है तो ही हम इस मूवी को देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों मूवी का कलेक्शन काफ़ी बढ़िया रहा था ये मूवी दोस्तों जो थी वो लगभग चौदह करोड़ के बजट में बनाई गई थी और इस मूवी का जो कलेक्शन था वो लगभग दोस्तों नाइन्टी फाइव करोड़ का हुआ था मतलब आप समझ सकते हैं कि मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी हिट रही है इसके अलावा मूवी को काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है तो आप इसके बारे में जानते ही हो अगर नहीं जानते हैं तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले एक नज़र इसकी स्टोरी के बारे में डालते हैं कि यहाँ पर आपको आखिरकार स्टोरी क्या देखने को मिलेंगी तो वैसे इस मूवी के दोस्तों जितने भी रिव्यू आए हैं तो बहुत ही बढ़िया रिव्यू है सब लोगों ने इसे अच्छा रिस्पांस दिया हुआ है ये मूवी दोस्तों अठारह जून 2004 को रिलीज हुई थी और उस टाइम पर मूवीज़ का इतना जो था माल था नहीं तो लोग जो है टूट पड़ते थे आज की आज की तरह पर फिर भी ये मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है इस मूवी को आप एक बार तो देख ही सकते हैं पहले जो मूवी थी वो हमें स्टार गोल्ड पर देखने को मिलती दे थी पर अब ये मूवी दोस्तों कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ कौन से टीवी चैनल पर आती है इसका अभी कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि मूवी जब भी टीवी पर रिलीज होती है तो जो टीवी वाले होते हैं वो पांच साल के लिए लेते हैं या फिर कहीं दस साल के लिए लेते हैं तो वैसे में ये मूवी पूछ सकता है कि अब आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिले इस मूवी के अंदर दोस्तों बहुत सारे आपको ऐसे विरोधी भी देखने को मिलते हैं चलिए कहानी के बारे में बात करते हैं लक्ष्य में आपको अंतराल बिंदु पर युद्ध रेखाएं खींची जाती है और दूसरे हाफ में फोकस युद्ध पर ही यानी कि जो कारगिल जितने पर और भारत को गौरवान्वित करने पर होता है लेकिन लेखक जावेद अख्तर ने बड़ी चतुराई से कहानी में रोमांटिक थ्रेड भी डाला हुआ है ताकि फिल्म ऑपरेशन विजय पर एक डॉक्यूमेंट्री बनकर ना उभरे फिल्म के दूसरे भाग में युद्ध के दृश्यों को डर का एहसास कराते हैं और वो ईमानदारी से दोस्तों यहाँ पर आपको जो है जीत हासिल करने का मौका भी देते हैं ऐसे समय में जब भारत पाकिस्तान के रिश्ते चरम पर हैं क्या लक्ष्य जैसी फिल्म का जो है यहाँ पर मौका बनेगा या नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा दरअसल आपको कारगिल युद्ध के बारे में पता होगा तो आपको यहाँ पर पता ही होगा कि मूवी में आखिरकार कहानी क्या देखने को मिलेंगी वैसे जो तो कारगिल युद्ध है इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनाई गई है कुछ फिल्में काफी अच्छी रही है पर मेरे हिसाब से लगभग जो मूवी है वो हिट ही रही है बहुत ही कम ऐसी मूवी होगी जो कि देशभक्ति या फिर ऐसे वार पर बनाई जाए और फ्लॉप हुए तो दोस्तों ये मूवी भी इन्हीं में से एक है जो कि बॉक्स ऑफिस इस पर एक हिट साबित हुई है अगर मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में इस मूवी की जो स्टोरी है वो बताने की को कोशिश करूँ तो यहाँ पर जो मूवी का हीरो है इसका नाम करण रहता है अब होता यू है कि करण एक लक्षीण युवक होता है और इच्छा अनुसार भारतीय सेना में शामिल होता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी इच्छा यही होती है कि वो भारतीय सेना में शामिल हो गए और देश के लिए कुछ करेंगे लेकिन जब उसे एक सैनिक का जीवन कठिन लगता है तो पीछे हट जाता है जब इससे उसकी प्रेमिका के साथ टकराव पैदा होता है तो वह उसे गौरवान्वित करने के लिए फिर शामिल हो जाता है तो यहाँ पर किसी भी इंसान के जीवन में कभी कोई ऐसी घटनाएं घटती है तो वापस अपने मोड में आता है तो शायद यहाँ पर मूवी का हीरो भी ऐसा ही कुछ करने चला था अब क्या से वो उस जंग को जीतता है ये जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा मूवी यूट्यूब पर रेंट पर उपलब्ध है जहाँ पर रेंट प्राइस फिफ्टी है आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं बाकी अनऑफिशियल ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिले इसके बहुत ही कम चांस है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मूवी को जरूर देखेंगे आज हम इस वीडियो में रुझिक रोशन की एक शानदार मूवी के बारे में ना ही सिर्फ बात करेंगे बल्कि अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर इसे, इसे आप देख पाएंगे साथ ही में इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और कुछ फैक्ट भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ तो हो सके तो वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा यहाँ पर मूवी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं मूवी का नाम लक्ष्य दिया गया है 2004 में ये मूवी रिलीज हुई थी और मूवी में आपको वॉर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है हाल ही में जुरुजिक राशन है उनकी मूवी है फाइटर हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इसे देख चुके हैं और इनकी पुरानी मूवी लक्ष्य देखना चाहते हैं पर इस मूवी का रंटम काफ़ी ज़्यादा है लगभग तीन घंटे की मूवी रही है पर मूवी में जुरुजिक रोशन है इनकी एक्टिंग सच में बहुत ही कमाल की है जो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है और ये मूवी भी दोस्तों ट्रो एवेंट पर बनाई गई है जो नाइनटीन में कारगिल जो वार हुआ था इसी बार यह जो कहानी है वो बेस्ड है अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में थोड़ी बात करें तो जो आई है वहाँ पर भी इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है आई की तरफ से इस मूवी को 10 में से 7.8 की रेटिंग मिली है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है दोस्तों ये मूवी एक नहीं बल्कि चार जगह पर उपलब्ध है आप जहाँ चाहें वहां से इसे देख सकते हैं पर मैं आपको एकदम सिंपल वे बताऊंगा जहां से आप इसे एकदम सस्ते में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम वीडियो यूट्यूब और गूगल प्ले मूवीज और टीवी पर उपलब्ध है पर अगर आप इसे सस्ते में देखना चाहते हैं तो आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी दोस्तों मूवी काफी बढ़िया है तो आपका जो रेंट का प्राइस है वो बिल्कुल भी वसूल होने वाला है बाकी ऐसे बहुत सारे अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जहां से आप देख सकते हैं मूवी की लीडका स्मृति कुशन प्रीति जिंता अमिताभ बच्चन शरद कपूर ओम पुरी बमो ईरानी राजेंद्र नाथ जोस्ती सुशांत सिंह परमित सेठी संजय एम सिंह अजय जोश रणवीर सोरे ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसमें देखने को मिलेंगे सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है स्पेशली यहाँ पर जो रितिक रोशन है इन्होंने यहाँ पर दोस्तों बहुत ही गजब की एक्टिंग कर रखी है ये मूवी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है और मूवी को वैसे यूएस सेंसर किया गया है पर आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं जो रॉट टोमेटो है वहाँ पर भी इस मूवी को 85 फाइव परसेंट हासिल है तो आप समझ सकते हैं कि मूवी में वाकई ही दम है चलिए एक नज़र इसके बॉक्स ऑफिस इस कलेक्शन की तरफ ही डालते हैं क्योंकि कहीं बार लोग ये सोचते हैं अगर मूवी का कलेक्शन सही है तो ही हम इस मूवी को देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों मूवी का कलेक्शन काफ़ी बढ़िया रहा था ये मूवी दोस्तों जो थी वो लगभग चौदह करोड़ के बजट में बनाई गई थी और इस मूवी का जो कलेक्शन था वो लगभग दोस्तों नाइन्टी फाइव करोड़ का हुआ था मतलब आप समझ सकते हैं कि मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी हिट रही है इसके अलावा मूवी को काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है तो आप इसके बारे में जानते ही होंगे अगर नहीं जानते हैं तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले एक नज़र इसकी स्टोरी के बारे में डालते हैं कि यहाँ पर आपको आखिरकार स्टोरी क्या देखने को मिलेंगी तो वैसे इस मूवी के दोस्तों जितने भी रिव्यू आए हैं तो बहुत ही बढ़िया रिव्यू है सब लोगों ने इसे अच्छा रिस्पॉन्स दिया हुआ है ये मूवी दोस्तों अठारह जून दो को रिलीज़ हुई थी और उस टाइम पर मूवीज़ का इतना जो था माल था नहीं तो लोग जो है टूट पड़ते थे आज की आज की तरह पर फिर भी ये मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है इस मूवी को आप एक ही बार तो देख ही सकते हैं पहले जो मूवी थी वो हमें स्टार गोल्ड पर देखने को मिलती दे थी पर अब ये मूवी दोस्तों कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो कौन से टीवी चैनल पर आती है इसका अभी कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि मूवी जब भी टीवी पर रिलीज़ होती है तो जो टीवी वाले होते हैं वो पाँच साल के लिए लेते हैं या फिर कहीं दस साल के लिए लेते हैं तो वैसे में ये मूवी हो सकता है कि अब आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिले इस मूवी के अंदर दोस्तों बहुत सारे आपको ऐसे विरोधी भी देखने को मिलते हैं चलिए कहानी के बारे में बात करते हैं लक्ष्य में आपको अंतराल बिंदु पर युद्ध रेखाएं खींची जाती है और दूसरे हाफ में फोकस युद्ध पर ही यानी कि जो कारगिल जीतने पर और भारत को गौरवान्वित करने पर होता है लेकिन लेखक जावेद अख्तर ने बड़ी चतुराई से कहानी में रोमांटिक थ्रेड भी डाला हुआ है ताकि फिल्म ऑपरेशन विजय पर एक डॉक्यूमेंट्री बनकर ना उभरे फिल्म भी दूसरे भाग में युद्ध के दृश्यों को डर का एहसास कराते हैं और वो ईमानदारी से दोस्तों यहाँ पर आपको जो है जीत हासिल करने का मौका भी देते हैं ऐसे समय में जब भारत पाकिस्तान के रिश्ते चरम पर हैं क्या लक्ष्य जैसी फिल्म का जो है यहाँ पर मौका बनेगा या नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा दरअसल आपको कारगिल युद्ध के बारे में पता होगा तो आपको यहाँ पर पता ही होगा कि मूवी में आखिरकार कहानी क्या देखने को मिलेंगी वैसे जो तो कारगिल युद्ध है इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनाई गई है कुछ फिल्म काफी रही है पर मेरे हिसाब से लगभग जो मूवी है वो हिट ही रही है बहुत कम जो कि बर, या फिर ऐसे इस पर और हुए। तो दोस्तों ये भी में से एक हिट साबित हुई है अगर मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में इस मूवी की जो स्टोरी है वो बताने की को कोशिश करूँ तो यहाँ पर जो मूवी का हीरो है इसका नाम करण रहता है अब होता यू है कि करण एक लक्षीण युवक होता है और इच्छा अनुसार भारतीय सेना में शामिल होता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी इच्छा यही होती है कि वो भारतीय सेना में शामिल हो गए और देश के लिए कुछ करेंगे लेकिन जब उसे एक सैनिक का जीवन कठिन लगता है तो पीछे हट जाता है जब इसे उसकी प्रेमिका के साथ टकराव पैदा होता है तो वह उसे गौरवान्वित करने के लिए फिर से शामिल हो जाता है तो यहाँ पर किसी भी इंसान के जीवन में कभी कोई ऐसी घटनाएँ घटती है तो वापस अपने मोड में आता है तो शायद यहाँ पर मूवी का हीरो भी ऐसा ही कुछ करने चला था अब क्या से वो उस जंग को जीतता है ये जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा मूवी यूट्यूब पर रेंट पर उपलब्ध है जहां पर रेंट प्राइस फिफ्टी रुपीज है आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं बाकी अनऑफिशियली ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिले इसके बहुत ही कम चांस है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मूवी को जरूर देखेंगे आज हम इस वीडियो में रुझिक रोशन की एक शानदार मूवी के बारे में ना ही सिर्फ बात करेंगे बल्कि अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर से इसे आप देख पाएंगे साथ ही में इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और कुछ फैक्ट भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ तो हो सके तो वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा यहाँ पर मूवी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं मूवी का नाम लक्ष्य दिया गया है दो में ये मूवी रिलीज हुई थी और मूवी में आपको वॉर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है हाल ही में जोरदिक राशन है उनकी मूवी है ये फाइटर हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इसे देख चुके हैं और इनकी पुरानी मूवी लक्ष्य देखना चाहते हैं पर इस मूवी का रंटम काफ़ी ज़्यादा है लगभग तीन घंटे की मूवी रही है पर मूवी में जरुदराशन है इनकी एक्टिंग सच में बहुत ही कमाल की है जो दोस्तों आपको हाँ एंड तक बांधे रखती है और ये मूवी भी दोस्तों ट्रो एवेंट पर बनाई गई है जो 1999 में कारगिल जो वार हुआ था इसी बार यह जो कहानी है वो बेस्ड है अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में थोड़ी बात करें तो जो आई है वहाँ पर भी इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है आई की तरफ से इस मूवी को दस में से सात की रेटिंग मिली है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है दोस्तों ये मूवी एक नहीं बल्कि चार जगह पर उपलब्ध है आप जहाँ चाहें वहां से इसे देख सकते हैं पर मैं आपको एकदम सिंपल वे बताऊंगा जहाँ से आप इसे एकदम सस्ते में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम वीडियो यूट्यूब और गूगल प्ले मूवीज और TV पर उपलब्ध है पर अगर आप इसे सस्ते में देखना चाहते हैं तो आप इसे YouTube पर देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी दोस्तों मूवी काफी बढ़िया है तो आपका जो रेंट का प्राइस है वो बिल्कुल भी वसूल होने वाला है बाकी ऐसे बहुत सारे अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जहां से आप देख सकते हैं मूवी के लीड लीडका स्कृति क्वासन प्रीति जिंता अमिताभ बच्चन शरद कपूर ओम पुरी बमो ईरानी राजेंद्र नाथ जोस्ती सुशांत सिंह परमित सेठी संजय एम सिंह अजय जोश रणवीर सोरे ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसमें देखने को मिलेंगे सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है स्पेशली यहाँ पर जो ऋतिक रोशन है इन्होंने यहाँ पर दोस्तों बहुत ही गजब की एक्टिंग कर रखी है ये मूवी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है और मूवी को वैसे यूए सेंसर किया गया है पर आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं जो रॉट एन टोमेटो है वहाँ पर भी इस मूवी को 85 फाइव परसेंट हासिल है तो आप समझ सकते हैं कि मूवी में वाकई ही दम है चलिए एक नज़र इसके बॉक्स ऑफिस इस कलेक्शन की तरफ ही डालते हैं क्योंकि कहीं बार लोग ये सोचते हैं अगर मूवी का कलेक्शन सही है तो ही हम इस मूवी को देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों मूवी का कलेक्शन काफ़ी बढ़िया रहा था ये मूवी दोस्तों जो थी वो लगभग चौदह करोड़ के बजट में बनाई गई थी और इस मूवी का जो कलेक्शन था वो लगभग दोस्तों नाइन्टी फाइव करोड़ का हुआ था मतलब आप समझ सकते हैं कि मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी हिट रही है इसके अलावा मूवी को काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है तो आप इसके बारे में जानते ही हो अगर नहीं जानते हैं तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले एक नज़र इसकी स्टोरी के बारे में डालते हैं कि यहाँ पर आपको आखिरकार स्टोरी क्या देखने को मिलेंगी तो वैसे इस मूवी के दोस्तों जितने भी रिव्यू आए हैं तो बहुत ही बढ़िया रिव्यू है सब लोगों ने इसे अच्छा रिस्पॉन्स दिया हुआ है ये मूवी दोस्तों अठारह जून दो को रिलीज हुई थी और उस टाइम पर मूवीज़ का इतना जो था मालामाल था नहीं तो लोग जो है टूट पड़ते थे आज की आज की तरह पर फिर भी ये मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है इस मूवी को आप एक ही बार तो देख ही सकते हैं पहले जो मूवी थी वो हमें स्टार गोल्ड पर देखने को मिलती दे थी पर अब ये मूवी दोस्तों कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो कौन से टीवी चैनल पर आती है इसका अभी कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि मूवी जब भी टीवी पर रिलीज़ होती है तो जो टीवी वाले होते हैं वो पाँच साल के लिए लेते हैं या फिर कहीं दस साल के लिए लेते हैं तो वैसे में ये मूवी पूछ सकता है कि अब आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिले इस मूवी के अंदर दोस्तों बहुत सारे आपको ऐसे विरोधियों भी देखने को मिलते हैं चलिए कहानी के बारे में बात करते हैं लक्ष्य में आपको अंतराल बिंदु पर युद्ध रेखाएं खींची जाती है और दूसरे हाफ में फोकस युद्ध पर ही यानी कि जो कारगिल जितने पर और भारत को गौरवान्वित करने पर होता है लेकिन लेखक जावेद अख्तर ने बड़ी चतुराई से कहानी में रोमांटिक थ्रेड भी डाला हुआ है ताकि फिल्म ऑपरेशन विजय पर एक डॉक्यूमेंट्री बनकर न उभरे फिल्म भी दूसरे भाग में युद्ध के दृश्य को डर का एहसास कराते हैं और वो ईमानदारी से दोस्तों यहाँ पर आपको जो है जीत हासिल करने का मौका भी देते हैं ऐसे समय में जब भारत पाकिस्तान के रिश्ते चरम पर हैं क्या लक्ष्य जैसी फिल्म का जो है यहाँ पर मौका बनेगा या नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा दरअसल आपको कारगिल युद्ध के बारे में पता होगा तो आपको यहाँ पर पता ही होगा कि मूवी में आखिरकार कहानी क्या देखने को मिलेंगी वैसे जो तो कारगिल युद्ध है इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनाई गई है कुछ फिल्में काफी अच्छी रही है पर मेरे हिसाब से लगभग जो मूवी है वो हिट ही रही है बहुत ही कम ऐसी मूवी होगी जो कि देशभक्ति पर पर से वार बनाई जाए और फ्लॉप तो दोस्तों ये मूवी भी इन्हीं में से एक है जो की बॉक्स अब इस पर एक हिट साबित हुई है अगर मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में इस मूवी की जो स्टोरी है वो बताने की को कोशिश करूँ तो यहाँ पर जो मूवी का हीरो है इसका नाम करण रहता है अब होता यू है कि करण एक लक्षीण युवक होता है और इच्छा अनुसार भारतीय सेना में शामिल होता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी इच्छा यही होती है कि वो भारतीय सेना में शामिल हो गए और देश के लिए कुछ करेंगे लेकिन जब उसे एक सैनिक का जीवन कठिन लगता है तो पीछे हट जाता है जब इसे उसकी प्रेमिका के साथ टकराव पैदा होता है तो वह उसे गौरवान्वित करने के लिए फिर शामिल हो जाता है तो यहाँ पर किसी भी इंसान के जीवन में कभी कोई ऐसी घटनाएं घटती है तो वापस अपने मोड़ में आता है तो शायद यहाँ पर मूवी का हीरो भी ऐसा ही कुछ करने चला था अब क्या से वो उस जंग को जीतता है ये जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा मूवी यूट्यूब पर रेंट पर उपलब्ध है जहाँ पर रेंट प्राइस फिफ्टी रुपीज़ है आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं बाकी अनऑफिशियल ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिले इसके बहुत ही कम चांस है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मूवी को जरूर देखेंगे आज हम इस वीडियो में रुधिक रोशन की एक शानदार मूवी के बारे में ना ही सिर्फ बात करेंगे बल्कि अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर इसी से इसे आप देख पाएंगे साथ ही में इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और कुछ फैक्ट भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ तो हो सके तो वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा यहाँ पर मूवी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं मूवी का नाम लक्ष्य दिया गया है दो में ये मूवी रिलीज़ हुई थी और मूवी में आपको वॉर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है हाल ही में जोजिक्रासन है उनकी मूवी आई ये फाइटर हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इसे देख चुके हैं और इनकी पुरानी मूवी लक्ष्य देखना चाहते हैं पर इस मूवी का रन टन काफ़ी ज़्यादा है लगभग तीन घंटे की मूवी रही है पर मूवी में जो रजासन है इनकी एक्टिंग सच में बहुत ही कमाल की है जो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है और ये मूवी भी दोस्तों ट्रो एवेंट पर बनाई गई है जो 1999 में कारगिल जो वार हुआ था इसी पर ये जो कहानी है वो बेस्ड है अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में थोड़ी बात करें तो जो आई है वहाँ पर भी इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है आई की तरफ से इस मूवी को दस में से सात पॉइंट आठ की रेटिंग मिली है इसके अलावा जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है दोस्तों ये मूवी एक नहीं बल्कि चार जगह पर उपलब्ध है आप जहाँ चाहें वहाँ से इसे देख सकते हैं पर मैं आपको एकदम सिंपल वे बताऊंगा जहाँ से आप इसे एकदम सस्ते में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम वीडियो यूट्यूब और गूगल प्ले मूवीज और टी पर उपलब्ध है पर अगर आप इसे सस्ते में देखना चाहते हैं तो आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया है तो आपका जो रेंट का प्राइस है वो बिल्कुल भी वसूल होने वाला है बाकी ऐसे बहुत सारे अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप देख सकते हैं मूवी के लीड लीडका ऋतिक रोशन प्रीति जिंता अमिताभ बच्चन शरद कपूर ओम पुरी बम ईरानी राजेंद्र नाथ जस्ती सुशांत सिंह परमित सेठी संजय एम सिंह अजय जोस रणवीर सोरे ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसमें देखने को मिलेंगे सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है स्पेशली यहाँ पर जो ऋतिक रोशन है इन्होंने यहाँ पर दोस्तों बहुत ही गजब की एक्टिंग कर रखी है ये मूवी दोस्तों काफी बढ़िया है और मूवी को वैसे यूएस सेंसर किया गया है पर आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं जो रॉट एन टोमेटो है वहाँ पर भी इस मूवी को 85 फाइव परसेंट हासिल है तो आप समझ सकते हैं कि मूवी में वाकई ही दम है चलिए एक नज़र इसके बॉक्स ऑफिस इस कलेक्शन की तरफ ही डालते हैं क्योंकि कई बार लोग ये सोचते हैं अगर मूवी का कलेक्शन सही है तो ही हम इस मूवी को देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों मूवी का कलेक्शन काफ़ी बढ़िया रहा था ये मूवी दोस्तों जो थी वो लगभग चौदह करोड़ के बजट में बनाई गई थी और इस मूवी का जो कलेक्शन था वो लगभग दोस्तों नाइन्टी फाइव करोड़ का हुआ था मतलब आप समझ सकते हैं कि मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी हिट रही है इसके अलावा मूवी को काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है तो आप इसके बारे में जानते ही होगे अगर नहीं जानते हैं तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले एक नज़र इसकी स्टोरी के बारे में डालते हैं कि यहाँ पर आपको आखिरकार स्टोरी क्या देखने को मिलेंगी तो वैसे इस मूवी के दोस्तों जितने भी रिव्यू आए हैं तो बहुत ही बढ़िया रिव्यू है सब लोगों ने इसे अच्छा रिस्पांस दिया हुआ है ये मूवी दोस्तों अठारह जून 2004 को रिलीज हुई थी और उस टाइम पर मूवीज का इतना जो था वो माल था नहीं तो लोग जो है टूट पड़ते थे आज की आज की तरह पर फिर भी ये मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है इस मूवी को आप एक बार तो देख ही सकते हैं पहले जो मूवी थी वो हमें स्टार गोल्ड पर देखने को मिलती दे थी पर अब ये मूवी दोस्तों कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो कौन से टीवी चैनल पर आती है इसका अभी कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि मूवी जब भी टीवी पर रिलीज होती है तो जो टीवी वाले होते हैं वो पाँच साल के लिए लेते हैं या फिर कहीं दस साल के लिए लेते हैं तो वैसे में ये मूवी पूछ सकता है कि अब आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिले इस मूवी के अंदर दोस्तों बहुत सारे आपको ऐसे भी देखने को मिलते हैं चलिए कहानी के बारे में बात करते हैं लक्ष्य में आपको अंतराल बिंदु पर युद्ध रेखाएं की जाती है और दूसरे हाफ में फोकस युद्ध पर ही यानी कि जो कारगिल जीतने पर और भारत को गौरवान्वित करने पर होता है लेकिन लेखक जावेद अख्तर ने बड़ी चतुराई से कहानी में रोमांटिक थ्रेड भी डाला हुआ है ताकि फिल्म ऑपरेशन विजय पर एक डॉक्यूमेंट्री बनकर ना उभरे फिल्म भी दूसरे भाग में युद्ध के दृश्य को डर का एहसास कराते हैं और वो ईमानदारी से दोस्तों यहाँ पर आपको जो है जीत हासिल करने का मौका भी देते हैं ऐसे समय में जब भारत पाकिस्तान के रिश्ते चरम पर हैं क्या लक्ष्य जैसी फिल्म काजू है यहाँ पर मौका बनेगा या नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा दरअसल आपको कारगिल युद्ध के बारे में पता होगा तो आपको यहाँ पर पता ही होगा कि मूवी में आखिरकार कहानी क्या देखने को मिलेंगी वैसे तो कारगिल युद्ध है इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनाई गई है कुछ फिल्में काफी अच्छी रही है पर मेरे हिसाब से लगभग जो मूवी है वो हीट ही रही है बहुत ही कम ऐसी मूवी होगी जो कि देशभक्ति पर या फिर ऐसे वार्ड पर बनाई जाए और फ्लॉप हुए तो दोस्तों ये मूवी भी इन्हीं में से एक है जो कि बॉक्स ऑफिस इस पर एक हिट साबित हुई है अगर मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में इस मूवी की जो स्टोरी है वो बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर जो मूवी का हीरो है इसका नाम करण रहता है अब होता यू है कि करण एक लक्षीण युवक होता है और इच्छा अनुसार भारतीय सेना में शामिल होता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी इच्छा यही होती है कि वो भारतीय सेना में शामिल हो गए और देश के लिए कुछ करेंगे लेकिन जब उसे एक सैनिक का जीवन कठिन लगता है तो पीछे हट जाता है जब इसे उसकी प्रेमिका के साथ टकराव पैदा होता है तो वह उसे गौरवान्वित करने के लिए फिर से शामिल हो जाता है तो यहाँ पर किसी भी इंसान के जीवन में कभी कोई ऐसी घटनाएँ घटती है तो वापस अपने मोड़ में आता है तो शायद यहाँ पर मूवी का हीरो भी ऐसा ही कुछ करने चला था अब क्या से वो उस जंग को जीतता है ये जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा मूवी यूट्यूब पर रेंट पर उपलब्ध है जहाँ पर रेंट प्राइस फिफ्टी रुपीज़ है आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं बाकी अनऑफिशियल ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिले इसके बहुत ही कम चांस है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मूवी को जरूर देखेंगे आज हम इस वीडियो में ऋतिक रोशन की एक शानदार मूवी के बारे में ना ही सिर्फ बात करेंगे बल्कि अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर इसे इसे आप देख पाएंगे साथ ही में इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और कुछ फैक्ट भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ तो हो सकता है तो वीडियो को थोड़ा बहुत जरूर देखिएगा यहाँ पर मूवी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं मूवी का नाम लक्ष्य दिया गया है 2004 में ये मूवी रिलीज हुई थी और मूवी में आपको वॉर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है हाल ही में चिरजी प्रसन्न है उनकी मूवी है ये फाइटर हो सकता है कि आप में बहुत से बहुत लोग इसे देख चुके हैं और इनकी पुरानी मूवी लक्ष्य देखना चाहते हैं पर इस मूवी का रंटम काफ़ी ज़्यादा है लगभग तीन घंटे की मूवी रही है पर मूवी में जो रिक रोशन है इनकी एक्टिंग सच में बहुत ही कमाल की है जो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है और ये मूवी भी दोस्तों ट्रो एवेंट पर बनाई गई है जो 1999 में कारगिल जो वार हुआ था इसी बार यह जो कहानी है वो बेस्ड है अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में थोड़ी बात करें तो जो आई है वहाँ पर भी इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है आई की तरफ से इस मूवी को दस में से सात पॉइंट आठ की रेटिंग मिली है इसके अलावा जो गूगल यूजर है वहां पर भी इस मूवी को काफी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है दोस्तों ये मूवी एक नहीं बल्कि चार जगह पर उपलब्ध है आप जहाँ चाहें वहां से इसे देख सकते हैं पर मैं आपको एकदम सिंपल वे बताऊंगा जहाँ से आप इसे एकदम सस्ते में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम वीडियो यूट्यूब और गूगल प्ले मूवीज और टीवी पर उपलब्ध है पर अगर आप इसे सस्ते में देखना चाहते हैं तो आप इसे YouTube पर देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया है तो आपका जो रेंट का प्राइस है वो बिल्कुल भी वसूल होने वाला है बाकी ऐसे बहुत सारे अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप देख सकते हैं मूवी के लीड का स्कृति कौशन प्रीति जिंटा अमिताभ बच्चन शरद कपूर ओम पुरी बम ईरानी राजेंद्र नाथ जस्ती सुशांत सिंह परमित सेट्टी संजय एम सिंह अजय जोश रणवीर सोरेन ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसमें देखने को मिलेंगे सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है स्पेशली यहाँ पर जो ऋतिक रोशन है इन्होंने यहाँ पर दोस्तों बहुत ही गजब की एक्टिंग कर रखी है ये मूवी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है और मूवी को वैसे यूएस सेंसर किया गया है पर आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं जो रॉट एंड टोमेटो है वहाँ पर भी इस मूवी को 85 परसेंट हासिल है तो आप समझ सकते हैं कि मूवी में वाकई ही दम है चलिए एक नज़र इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ ही डालते हैं क्योंकि कई बार लोग ये सोचते हैं अगर मूवी का कलेक्शन सही है तो ही हम इस मूवी को देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों मूवी का कलेक्शन काफ़ी बढ़िया रहा था ये मूवी दोस्तों जो थी वो लगभग चौदह करोड़ के बजट में बनाई गई थी और इस मूवी का जो कलेक्शन था वो लगभग दोस्तों नाइन्टी फाइव करोड़ का हुआ था मतलब आप समझ सकते हैं कि मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी हिट रही है इसके अलावा मूवी को काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है तो आप इसके बारे में जानते ही होंगे अगर नहीं जानते हैं तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले एक नज़र इसकी स्टोरी के बारे में डालते हैं कि यहाँ पर आपको आखिरकार स्टोरी क्या देखने को मिलेंगी तो वैसे इस मूवी के दोस्तों जितने भी रिव्यू आए हैं तो बहुत ही बढ़िया रिव्यू है सब लोगों ने इसे अच्छा रिस्पांस दिया हुआ है ये मूवी दोस्तों अठारह जून 2004 को रिलीज हुई थी और उस टाइम पर मूवीज़ का इतना जो था माल था नहीं तो लोग जो है टूट पड़ते थे आज की आज की तरह पर फिर भी ये मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है इस मूवी को आप एक बार तो देख ही सकते हैं पहले जो मूवी थी वो हमें स्टार गोल्ड पर देखने को मिलती दे थी पर अब ये मूवी दोस्तों कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो कौन से टीवी चैनल पर आती है इसका अभी कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि मूवी जब भी टीवी पर रिलीज़ होती है तो जो टीवी वाले होते हैं वो पाँच साल के लिए लेते हैं या फिर कहीं दस साल के लिए लेते हैं तो वैसे में ये मूवी पूछ सकता है कि अब आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिले इस मूवी के अंदर दोस्तों बहुत सारे आपको ऐसे विरोधी भी देखने को मिलते हैं चलिए कहानी के बारे में बात करते हैं लक्ष्य में आपको अंतराल बिंदु पर युद्ध रेखाएं खींची जाती है और दूसरे हाफ में फोकस युद्ध पर ही यानी कि जो कारगिल जीतने पर और भारत को गौरवान्वित करने पर होता है लेकिन लेखक जावेद अख्तर ने बड़ी चतुराई से कहानी में रोमांटिक थ्रेड भी डाला हुआ है ताकि फिल्म ऑपरेशन विजय पर एक डॉक्यूमेंट्री बनकर न उभरे फिल्म के दूसरे भाग में युद्ध के दृश्य को डर का एहसास कराते हैं और वो ईमानदारी से दोस्तों यहाँ पर आपको जो है जीत हासिल करने का मौका भी देते हैं ऐसे समय में जब भारत पाकिस्तान के रिश्ते चरम पर हैं क्या लक्ष्य जैसी फिल्म काज है यहाँ पर मौका बनेगा या नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा दरअसल आपको कारगिल युद्ध के बारे में पता होगा तो आपको यहाँ पर पता ही होगा कि मूवी में आकर कर कहानी क्या देखने को मिलेंगी वैसे जो तो कारगिल युद्ध है इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनाई गई है कुछ फिल्में काफी अच्छी रही है पर मेरे हिसाब से लगभग जो मूवी है वो हिट ही रही है बहुत ही कम ऐसी मूवी होगी जो कि देशभक्ति वार पर बनाई जाए और फ्लॉप हुए तो दोस्तों ये मूवी भी इन्हीं में से एक है जो की बॉक्स ऑफिस पर एक हिट साबित हुई है अगर मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में इस मूवी की जो स्टोरी है वो बताने की को कोशिश करूँ तो यहाँ पर जो मूवी का हीरो है इसका नाम करण रहता है अब होता यू है कि करण एक लक्षीण युवक होता है और इच्छा अनुसार भारतीय सेना में शामिल होता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी इच्छा यही होती है कि वो भारतीय सेना में शामिल हो गए और देश के लिए कुछ करेंगे लेकिन जब उसे एक सैनिक का जीवन कठिन लगता है तो पीछे हट जाता है जब इसे उसकी प्रेमिका के साथ टकराव पैदा होता है तो वह उसे गौरवान्वित करने के लिए फिर से शामिल हो जाता है तो यहाँ पर किसी भी इंसान के जीवन में कभी कोई ऐसी घटनाएं घटती है तो वापस अपने मोड़ में आता है तो शायद यहाँ पर मूवी का हीरो भी ऐसा ही कुछ करने चला था अब क्या से वो उस जंग को जीतता है ये जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा मूवी यूट्यूब पर रेंट पर उपलब्ध है जहाँ पर रेंट प्राइस फिफ्टी रुपीज है आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं बाकी अनऑफिशियली ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिले इसके बहुत ही कम चांस है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मूवी को जरूर देखेंगे आज हम इस वीडियो में रुधिक रोशन की एक शानदार मूवी के बारे में ना ही सिर्फ बात करेंगे बल्कि अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर इसी से, से आप देख पाएंगे साथ ही में इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और कुछ फैक्ट भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ तो हो सके तो वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा यहाँ पर मूवी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं मूवी का नाम लक्ष्य दिया गया है दो में ये मूवी रिलीज हुई थी और मूवी में आपको वॉर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है हाल ही में जो रजिक रोशन है उनकी मूवी आई फाइटर हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इसे देख चुके हैं और इनकी पुरानी मूवी लक्ष्य देखना चाहते हैं पर इस मूवी का रन टन काफ़ी ज़्यादा है लगभग तीन घंटे की मूवी रही है पर मूवी में जरुदरासन है इनकी एक्टिंग सच में बहुत ही कमाल की है जो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है और ये मूवी भी दोस्तों ट्रो एवेंट पर बनाई गई है जो 1999 में कारगिल जो वार हुआ था इसी बार ये जो कहानी है वो बेस्ड है अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में थोड़ी बात करें तो जो आई है वहाँ पर भी इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है आई की तरफ से इस मूवी को दस में से सात पॉइंट आठ की रेटिंग मिली है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है दोस्तों ये मूवी एक नहीं बल्कि चार जगह पर उपलब्ध है आप जहाँ चाहें वहाँ से इसे देख सकते हैं पर मैं आपको एकदम सिंपल वे बताऊंगा जहाँ से आप इसे एकदम सस्ते में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम वीडियो यूट्यूब और गूगल प्ले मूवीज और टी पर उपलब्ध है पर अगर आप इसे सस्ते में देखना चाहते हैं तो आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया है तो आपका जो रेंट का प्राइस है वो बिल्कुल भी वसूल होने वाला है बाकी ऐसे बहुत सारे अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप देख सकते हैं मूवी के की लीडका ऋतिक राशन प्रीति जिंता अमिताभ बच्चन शरद कपूर ओम पुरी बम ईरानी राजेंद्र नाथ जस्ती सुशांत सिंह परमित सेठी संजय एम सिंह अजय जोस रणवीर सोरे ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसमें देखने को मिलेंगे सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है स्पेशली यहाँ पर जो ऋतिक राशन है इन्होंने यहाँ पर दोस्तों बहुत ही गजब की एक्टिंग कर रखी है ये मूवी दोस्तों काफी बढ़िया है और मूवी को वैसे यूएस सेंसर किया गया है पर आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं जो रॉट एंड टमेटो है वहाँ पर भी इस मूवी को 85 फाइव परसेंट हासिल है तो आप समझ सकते हैं कि मूवी में वाकई ही दम है चलिए एक नज़र इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ भी डालते हैं क्योंकि कहीं बार लोग ये सोचते हैं अगर मूवी का कलेक्शन सही है तो ही हम इस मूवी को देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों मूवी का कलेक्शन काफ़ी बढ़िया रहा था ये मूवी दोस्तों जो थी वो लगभग चौदह करोड़ के बजट में बनाई गई थी और इस मूवी का जो कलेक्शन था वो लगभग दोस्तों नाइन्टी फाइव करोड़ का हुआ था मतलब आप समझ सकते हैं कि मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी हिट रही है इसके अलावा मूवी को काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है तो आप इसके बारे में जानते ही हो अगर नहीं जानते हैं तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले एक नज़र इसकी स्टोरी के बारे में डालते हैं कि यहाँ पर आपको आखिरकार स्टोरी क्या देखने को मिलेंगी तो वैसे इस मूवी के दोस्तों जितने भी रिव्यू आए हैं तो बहुत ही बढ़िया रिव्यू है सब लोगों ने इसे अच्छा रिस्पांस दिया हुआ है ये मूवी दोस्तों अठारह जून 2004 को रिलीज हुई थी और उस टाइम पर मूवीज़ का इतना जो था मालामाल था नहीं तो लोग जो है टूट पड़ते थे आज की आज की तरह पर फिर भी ये मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है इस मूवी को आप एक बार तो देख ही सकते हैं पहले जो मूवी थी वो हमें स्टार गोल्ड पर देखने को मिलती दे थी पर अब ये मूवी दोस्तों कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो कौन से टीवी चैनल पर आती है इसका अभी कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि मूवी जब भी टीवी पर रिलीज होती है तो जो टीवी वाले होते हैं वो पाँच साल के लिए लेते हैं या फिर कहीं दस साल के लिए लेते हैं तो वैसे में ये मूवी पूछ सकता है कि अब आप आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिले इस मूवी के अंदर दोस्तों बहुत सारे आपको ऐसे भी देखने को मिलते हैं चलिए कहानी के बारे में बात करते हैं लक्ष्य में आपको अंतराल बिंदु पर युद्ध रेखाएं खींची जाती है और दूसरे हाफ में फोकस युद्ध पर ही यानी कि जो कारगिल जीतने पर और भारत को गौरवान्वित करने पर होता है लेकिन लेखक जावेद अख्तर ने बड़ी चतुराई से कहानी में रोमांटिक थ्रेड भी डाला हुआ है ताकि फिल्म ऑपरेशन विजय पर एक डॉक्यूमेंट्री बनकर ना उभरे फिल्म के दूसरे भाग में युद्ध के दृश्य को डर का एहसास कराते हैं और वो ईमानदारी से दोस्तों यहाँ पर आपको जो है जीत हासिल करने का मौका भी देते हैं ऐसे समय में जब भारत पाकिस्तान के रिश्ते चरम पर हैं क्या लक्ष्य जैसी फिल्म का जो है यहाँ पर मौका बनेगा या नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा दरअसल आपको कारगिल युद्ध के बारे में पता होगा तो आपको यहाँ पर पता ही होगा कि मूवी में आखिरकार कहानी क्या देखने को मिलेंगी वैसे जो तो कारगिल युद्ध है इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनाई गई है कुछ फिल्में काफ़ी अच्छी रही है पर मेरे हिसाब से लगभग जो मूवी है वो हीट ही रही है बहुत ही कम ऐसी मूवी होगी जो कि देशभक्ति पर या फिर ऐसे वार पर बनाई जाए और फ्लॉप हुए तो दोस्तों ये मूवी भी इन्हीं में से एक है जो कि बॉक्स ऑफिस पर एक हिट साबित हुई है अगर मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में इस मूवी की जो स्टोरी है वो बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर जो मूवी का हीरो है इसका नाम करण रहता है अब होता यू है कि करण एक लक्षीण युवक होता है और इच्छा अनुसार भारतीय सेना में शामिल होता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी इच्छा यही होती है कि वो भारतीय सेना में शामिल हो गए और देश के लिए कुछ करेंगे लेकिन जब उसे एक सैनिक का जीवन कठिन लगता है तो पीछे हट जाता है जब इसे उसकी प्रेमिका के साथ टकराव पैदा होता है तो वह उसे गौरवान्वित करने के लिए फिर शामिल हो जाता है तो यहाँ पर किसी भी इंसान के जीवन में कभी कोई ऐसी घटनाई घटती है तो वापस अपने मोड़ में आता है तो शायद यहाँ पर मूवी का हीरो भी ऐसा ही कुछ करने चला था अब क्या से वो उस जंग को जीतता है ये जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा मूवी यूट्यूब पर रेंट पर उपलब्ध है जहाँ पर रेंट प्राइस फिफ्टी रुपीज है आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं बाकी अनऑफिशियल ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिले इसके बहुत ही कम चांस है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मूवी को जरूर देखेंगे आज हम इस वीडियो में ऋतिक रोशन की एक शानदार मूवी के बारे में ना ही सिर्फ बात करेंगे बल्कि अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर इसे इसे आप देख पाएंगे साथ ही में इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और कुछ फैक्ट भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ तो हो सकता है तो वीडियो को थोड़ा बहुत जरूर देखिएगा यहाँ पर मूवी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं मूवी का नाम लक्ष्य दिया गया है 2004 में ये मूवी रिलीज हुई थी और मूवी में आपको वॉर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है हाल ही में चिरोजी प्रसाद है उनकी मूवी है फाइटर हो सकता है कि आप में बहुत से बहुत लोग इसे देख चुके हैं और इनकी पुरानी मूवी लक्ष्य देखना चाहते हैं पर इस मूवी का रंटम काफ़ी ज़्यादा है लगभग तीन घंटे की मूवी रही है पर मूवी में जो रजिक रोशन है इनकी एक्टिंग सच में बहुत ही कमाल की है जो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है और ये मूवी भी दोस्तों ट्रो एवेंट पर बनाई गई है जो 1999 में कारगिल जो वार हुआ था इसी बार ये जो कहानी है वो बेस्ड है अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में थोड़ी बात करें तो जो आई है वहाँ पर भी इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है आई की तरफ से इस मूवी को दस में से सात पॉइंट आठ की रेटिंग मिली है इसके अलावा जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है दोस्तों ये मूवी एक नहीं बल्कि चार जगह पर उपलब्ध है आप जहाँ चाहें वहाँ से इसे देख सकते हैं पर मैं आपको एकदम सिंपल वे बताऊँगा जहाँ से आप इसे एकदम सस्ते में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम वीडियो यूट्यूब और गूगल प्ले मूवीज और टीवी पर उपलब्ध है पर अगर आप इसे सस्ते में देखना चाहते हैं तो आप इसे YouTube पर देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया है तो आपका जो रेंट का प्राइस है वो बिल्कुल भी वसूल होने वाला है बाकी ऐसे बहुत सारे अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप देख सकते हैं मूवी के लीड का श्रद्धिक वासन प्रीति जिंटा अमिताभ बच्चन शरद कपूर ओम पुरी बम ईरानी राजेंद्र नाथ जस्ती सुशांत सिंह परमित सेट्टी संजय एम सिंह अजय जोश रणवीर सोरे ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसमें देखने को मिलेंगे सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है स्पेशली यहाँ पर जो ऋतिक रोशन है इन्होंने यहाँ पर दोस्तों बहुत ही गजब की एक्टिंग कर रखी है ये मूवी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है और मूवी को वैसे यूएस सेंसर किया गया है पर आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं जो रॉट एंड टमेटो है वहाँ पर भी इस मूवी को 85 परसेंट हासिल है तो आप समझ सकते हैं कि मूवी में वाकई ही दम है चलिए एक नज़र इसके बॉक्स ऑफिस इस कलेक्शन की तरफ ही डालते हैं क्योंकि कहीं बार लोग ये सोचते हैं अगर मूवी का कलेक्शन सही है तो ही हम इस मूवी को देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों मूवी का कलेक्शन काफ़ी बढ़िया रहा था ये मूवी दोस्तों जो थी वो लगभग चौदह करोड़ के बजट में बनाई गई थी और इस मूवी का जो कलेक्शन था वो लगभग दोस्तों नाइन्टी फाइव करोड़ का हुआ था मतलब आप समझ सकते हैं कि मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी हिट रही है इसके अलावा मूवी को काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है तो आप इसके बारे में जानते ही होगे अगर नहीं जानते हैं तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले एक नज़र इसकी स्टोरी के बारे में डालते हैं कि यहाँ पर आपको आखिरकार स्टोरी क्या देखने को मिलेंगी तो वैसे इस मूवी के दोस्तों जितने भी रिव्यू आए हैं तो बहुत ही बढ़िया रिव्यू है सब लोगों ने इसे अच्छा रिस्पांस दिया हुआ है ये मूवी दोस्तों अठारह जून 2004 को रिलीज़ हुई थी और उस टाइम पर मूवीज़ का इतना जो था मालामाल था नहीं तो लोग जो है टूट पढ़ते थे आज की आज की तरह पर फिर भी ये मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है इस मूवी को आप एक बार तो देख ही सकते हैं पहले जो मूवी थी वो हमें स्टार गोल्ड पर देखने को मिलती दे थी पर अब ये मूवी दोस्तों कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो कौन से टीवी चैनल पर आती है इसका अभी कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि मूवी जब भी टीवी पर रिलीज़ होती है तो जो टीवी वाले होते हैं वो पाँच साल के लिए लेते हैं या फिर कहीं दस साल के लिए लेते हैं तो वैसे में ये मूवी पूछ सकता है कि अब आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिले इस मूवी के अंदर दोस्तों बहुत सारे आपको ऐसे विरोधी भी देखने को मिलते हैं चलिए कहानी के बारे में बात करते हैं लक्ष्य में आपको अंतराल बिंदु पर युद्ध रेखाएं और दूसरे हाफ में फोकस युद्ध पर ही यानी कि जो कारगिल जीतने पर और भारत को गौरवान्वित करने पर होता है लेकिन लेखक जावेद अख्तर ने बड़ी चतुराई से कहानी में रोमांटिक थ्रेड भी डाला हुआ है ताकि फिल्म ऑपरेशन विजय पर एक डॉक्यूमेंट्री बनकर ना उभरे फिल्म के दूसरे भाग में युद्ध के दृश्य को डर का एहसास कराते हैं और वो ईमानदारी से दोस्तों यहाँ पर आपको जो है जीत हासिल करने का मौका भी देते हैं ऐसे समय में जब भारत पाकिस्तान के रिश्ते चरम पर हैं क्या लक्ष्य जैसी फिल्म का जो है यहाँ पर मौका बनेगा या नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा दरअसल आपको कारगिल युद्ध के बारे में पता होगा तो आपको यहाँ पर पता ही होगा कि मूवी में आखिरकार कहानी क्या देखने को मिलेंगी वैसे तो कारगिल युद्ध है इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनाई गई है कुछ फिल्में काफ़ी अच्छी रही है पर मेरे हिसाब से लगभग जो मूवी है वो हिट ही रही है बहुत ही कम ऐसी मूवी होगी जो कि देशभक्ति पर या फिर ऐसे वार पर बनाई जाए और फ्लॉप हुए तो दोस्तों ये मूवी भी इन्हीं में से एक है जो कि बॉक्स ऑफिस पर एक हिट साबित हुई है अगर मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में इस मूवी की जो स्टोरी है वो बताने की को कोशिश करूँ तो यहाँ पर जो मूवी का हीरो है इसका नाम करण रहता है अब होता यू है कि करण एक लक्षीण युवक होता है और इच्छा अनुसार भारतीय सेना में शामिल होता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी इच्छा यही होती है कि वो भारतीय सेना में शामिल हो गए और देश के लिए कुछ करेंगे लेकिन जब उसे एक सैनिक का जीवन कठिन लगता है तो पीछे हट जाता है जब इससे उसकी प्रेमिका के साथ टकराव पैदा होता है तो वह उसे गौरवान्वित करने के लिए फिर शामिल हो जाता है तो यहाँ पर किसी भी इंसान के जीवन में कभी कोई ऐसी घटनाएँ घटती है तो वापस अपने मोड़ में आता है तो शायद यहाँ पर मूवी का हीरो भी ऐसा ही कुछ करने चला था अब क्या से वो उस जंग को जीतता है ये जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा मूवी यूट्यूब पर रेंट पर उपलब्ध है जहाँ पर रेंट प्राइस फिफ्टी रुपीज है आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं बाकी अनऑफिशियली ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिले इसके बहुत ही कम चांस है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मूवी को जरूर देखेंगे आज हम इस वीडियो में रुतिक रोशन की एक शानदार मूवी के बारे में ना ही सिर्फ बात करेंगे बल्कि अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर इसी इसे आप देख पाएंगे साथ ही में इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और कुछ फैक्ट भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ तो हो सके तो वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा यहाँ पर मूवी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं मूवी का नाम लक्ष्य दिया गया है 2004 में ये मूवी रिलीज हुई थी और मूवी में आपको वॉर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है हाल ही में जो रजिक रोशन है उनकी मूवी है ये फाइटर हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इसे देख चुके हैं और इनकी पुरानी मूवी लक्ष्य देखना चाहते हैं पर इस मूवी का रंटम काफ़ी ज़्यादा है लगभग तीन घंटे की मूवी रही है पर मूवी में जो रजिक रॉसन है इनकी एक्टिंग सच में बहुत ही कमाल की है जो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है और ये मूवी भी दोस्तों ट्रो एवेंट पर बनाई गई है जो 1999 में कारगिल जो वार हुआ था इसी पर यह जो कहानी है वो बेस्ड है अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में थोड़ी बात करें तो जो आई है वहाँ पर भी इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है आई की तरफ से इस मूवी को दस में से सात की रेटिंग मिली है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है दोस्तों ये मूवी एक नहीं बल्कि चार जगह पर उपलब्ध है आप जहाँ चाहें वहाँ से इसे देख सकते हैं पर मैं आपको एकदम सिंपल वे बताऊंगा जहाँ से आप इसे एकदम सस्ते में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स एमेजन प्राइम वीडियो यूट्यूब और गूगल प्ले मूवीज और टी पर उपलब्ध है पर अगर आप इसे सस्ते में देखना चाहते हैं तो आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं जहाँ पर यह मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया है तो आपका जो रेंट का प्राइस है वो बिल्कुल भी वसूल होने वाला है बाकी ऐसे बहुत सारे अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म हैं जहा से आप देख सकते हैं मूवी के लीड लीडका ऋतिक रोशन प्रीति जिंता अमिताभ बच्चन शरद कपूर ओम पुरी बमो ईरानी राजेंद्र नाथ जोस्ती सुशांत सिंह परमित सेठी संजय एम सिंह अजय जोस रणवीर सोरे ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसमें देखने को मिलेंगे सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है स्पेशली यहाँ पर जो ऋतिक रोशन है इन्होंने यहाँ पर दोस्तों बहुत ही गजब की एक्टिंग कर रखी है ये मूवी दोस्तों काफी बढ़िया है और मूवी को वैसे यूएस सेंसर किया गया है पर आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं जो रॉट एंड टमेटो है वहाँ पर भी इस मूवी को 85 फाइव परसेंट हासिल है तो आप समझ सकते हैं कि मूवी में वाकई ही दम है चलिए एक नज़र इसके बॉक्स ऑफिस इस कलेक्शन की तरफ ही डालते हैं क्योंकि कहीं बार लोग ये सोचते हैं अगर मूवी का कलेक्शन सही है तो ही हम इस मूवी को देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों मूवी का कलेक्शन काफ़ी बढ़िया रहा था ये मूवी दोस्तों जो थी वो लगभग चौदह करोड़ के बजट में बनाई गई थी और इस मूवी का जो कलेक्शन था वो लगभग दोस्तों 95 करोड़ का हुआ था मतलब आप समझ सकते हैं कि मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी हिट रही है इसके अलावा मूवी को काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है तो आप इसके बारे में जानते ही होगे अगर नहीं जानते हैं तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले एक नज़र इसकी स्टोरी के बारे में डालते हैं कि यहाँ पर आपको आखिरकार स्टोरी क्या देखने को मिलेंगी तो वैसे इस मूवी के दोस्तों जितने भी रिव्यू आए हैं तो बहुत ही बढ़िया रिव्यू है सब लोगों ने इसे अच्छा रिस्पांस दिया हुआ है ये मूवी दोस्तों अठारह जून 2004 को रिलीज हुई थी और उस टाइम पर मूवीज़ का इतना जो था मालामाल था नहीं तो लोग जो है टूट पड़ते थे आज की आज की तरह पर फिर भी ये मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है इस मूवी को आप एक बार तो देख ही सकते हैं पहले जो मूवी थी वो हमें स्टार गोल्ड पर देखने को मिलती दे थी पर अब ये मूवी दोस्तों कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो कौन से टीवी चैनल पर आती है इसका अभी कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि मूवी जब भी टीवी पर रिलीज होती है तो जो टीवी वाले होते हैं वो पाँच साल के लिए लेते हैं या फिर कहीं दस साल के लिए लेते हैं तो वैसे में ये मूवी हो सकता है कि अब आप आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिले इस मूवी के अंदर दोस्तों बहुत सारे आपको ऐसे विरोधी भी देखने को मिलते हैं चलिए कहानी के बारे में बात करते हैं लक्ष्य में आपको अंतराल बिंदु पर युद्ध रेखाएं की जाती है और दूसरे हाफ में फोकस युद्ध पर ही यानी कि जो कारगिल जीतने पर और भारत को गौरवान्वित करने पर होता है लेकिन लेखक जावेद अख्तर ने बड़ी चतुराई से कहानी में रोमांटिक थ्रेड भी डाला हुआ है ताकि फिल्म ऑपरेशन विजय पर एक डॉक्यूमेंट्री बनकर ना उभरे फिल्म के दूसरे भाग में युद्ध के दृश्य को डर का एहसास कराते हैं और वो ईमानदारी से दोस्तों यहाँ पर आपको जो है जीत हासिल करने का मौका भी देते हैं ऐसे समय में जब भारत पाकिस्तान के रिश्ते चरम पर हैं क्या लक्ष्य जैसी फिल्म का जो है यहाँ पर मौका बनेगा या नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा दरअसल आपको कारगिल युद्ध के बारे में पता होगा तो आपको यहाँ पर पता ही होगा कि मूवी में आखिरकार कहानी क्या देखने को मिलेंगी वैसे तो कारगिल युद्ध है इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनाई गई है कुछ फिल्में काफी अच्छी रही है पर मेरे हिसाब से लगभग जो मूवी है वो हिट ही रही है बहुत ही कम ऐसी मूवी होगी जो कि देशभक्ति पर या फिर ऐसे वार पर बनाई जाए और फ्लॉप हुए तो दोस्तों ये मूवी भी इन्हीं में से एक है जो कि बॉक्स ऑफिस पर एक हिट साबित हुई है अगर मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में इस मूवी की जो स्टोरी है वो बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर जो मूवी का हीरो है इसका नाम करण रहता है अब होता यू है कि करण एक लक्षीण युवक होता है और इच्छा अनुसार भारतीय सेना में शामिल होता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी इच्छा यही होती है कि वो भारतीय सेना में शामिल हो गए और देश के लिए कुछ करेंगे लेकिन जब उसे एक सैनिक का जीवन कठिन लगता है तो पीछे हट जाता है जब इसे उसकी प्रेमिका के साथ टकराव पैदा होता है तो वह उसे गौरवान्वित करने के लिए फिर शामिल हो जाता है तो यहाँ पर किसी भी इंसान के जीवन में कभी कोई ऐसी घटनाएं घटती है तो आपस अपने मोड़ में आता है तो शायद यहाँ पर मूवी का हीरो भी ऐसा ही कुछ करने चला था अब क्या से वो उस जंग को जीतता है ये जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा मूवी यूट्यूब पर रेंट पर उपलब्ध है जहाँ पर रेंट प्राइस फिफ्टी रुपीज़ है आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं भाई बाकी अनऑफिशियल ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिले इसके बहुत ही कम चांस है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मूवी को ज़रूर देखेंगे आज हम इस वीडियो में रुधिक रोशन की एक शानदार मूवी के बारे में ना ही सिर्फ बात करेंगे बल्कि अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर इसी से आप देख पाएंगे साथ ही में इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और कुछ फैक्ट भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ तो हो सकता है तो वीडियो को थोड़ा बहुत जरूर देखिएगा यहाँ पर मूवी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं मूवी का नाम लक्ष्य दिया गया है 2004 में ये मूवी रिलीज हुई थी और मूवी में आपको वॉर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है हाल ही में चिरोजी प्रसाद है उनकी मूवी आई फाइटर हो सकता है कि आप में बहुत से बहुत लोग इसे देख चुके हैं और इनकी पुरानी मूवी लक्ष्य देखना चाहते हैं पर इस मूवी का रंटम काफ़ी ज़्यादा है लगभग तीन घंटे की मूवी रही है पर मूवी में जो रतिक रोशन है इनकी एक्टिंग सच में बहुत ही कमाल की है जो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है और ये मूवी भी दोस्तों ट्रो एवेंट पर बनाई गई है जो 1999 में कारगिल जो वार हुआ था इसी बार ये जो कहानी है वो बेस्ड है अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में थोड़ी बात करें तो जो आई है वहाँ पर भी इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है आई की तरफ से इस मूवी को दस में से सात पॉइंट आठ की रेटिंग मिली है इसके अलावा जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है दोस्तों ये मूवी एक नहीं बल्कि चार जगह पर उपलब्ध है आप जहाँ चाहें वहाँ से इसे देख सकते हैं पर मैं आपको एकदम सिंपल वे बताऊंगा जहाँ से आप इसे एकदम सस्ते में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम वीडियो यूट्यूब और गूगल प्ले मूवीज और टी पर उपलब्ध है पर अगर आप इसे सस्ते में देखना चाहते हैं तो आप इसे YouTube पर देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया है तो आपका जो रेंट का प्राइस है वो बिल्कुल भी वसूल होने वाला है बाकी ऐसे बहुत सारे अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप देख सकते हैं मूवी के लीड का ऋतिक रोशन प्रीति जिंटा अमिताभ बच्चन शरद कपूर ओम पुरी बम ईरानी राजेंद्र नाथ जस्ती सुशांत सिंह परमित सेट्टी संजय एम सिंह अजय जोश रणवीर सोरे ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसमें देखने को मिलेंगे सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है स्पेशली यहाँ पर जो ऋतिक रोशन है इन्होंने यहाँ पर दोस्तों बहुत ही गजब की एक्टिंग कर रखी है ये मूवी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है और मूवी को वैसे यूएस सेंसर किया गया है पर आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं जो रॉट एंड टमेटो है वहाँ पर भी इस मूवी को 85 परसेंट हासिल है तो आप समझ सकते हैं कि मूवी में वाकई ही दम है चलिए एक नज़र इसके बॉक्स ऑफिस इस कलेक्शन की तरफ ही डालते हैं क्योंकि कहीं बार लोग ये सोचते हैं अगर मूवी का कलेक्शन सही है तो ही हम इस मूवी को देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों मूवी का कलेक्शन काफ़ी बढ़िया रहा था ये मूवी दोस्तों जो थी वो लगभग चौदह करोड़ के बजट में बनाई गई थी और इस मूवी का जो कलेक्शन था वो लगभग दोस्तों नाइन्टी फाइव करोड़ का हुआ था मतलब आप समझ सकते हैं कि मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी हिट रही है इसके अलावा मूवी को काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है तो आप इसके बारे में जानते ही होगे अगर नहीं जानते हैं तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले एक नज़र इसकी स्टोरी के बारे में डालते हैं कि यहाँ पर आपको आखिरकार स्टोरी क्या देखने को मिलेंगी तो वैसे इस मूवी के दोस्तों जितने भी रिव्यू आए हैं तो बहुत ही बढ़िया रिव्यू है सब लोगों ने इसे अच्छा रिस्पांस दिया हुआ है ये मूवी दोस्तों अठारह जून 2004 को रिलीज़ हुई थी और उस टाइम पर मूवीज़ का इतना जो था मालामाल था नहीं तो लोग जो है टूट पढ़ते थे आज की आज की तरह पर फिर भी ये मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है इस मूवी को आप एक ही बार तो देख ही सकते हैं पहले जो मूवी थी वो हमें स्टार गोल्ड पर देखने को मिलती दे थी पर अब ये मूवी दोस्तों कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो कौन से टीवी चैनल पर आती है इसका अभी कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि मूवी जब भी टीवी पर रिलीज़ होती है तो जो टीवी वाले होते हैं वो पाँच साल के लिए लेते हैं या फिर कहीं दस साल के लिए लेते हैं तो वैसे में ये मूवी पूछ सकता है कि अब आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिले इस मूवी के अंदर दोस्तों बहुत सारे आपको ऐसे विरोधी भी देखने को मिलते हैं चलिए कहानी और, हाँ में फोकस जो पर और को करने पर होता है लेकिन लेखक जावेद अख्तर ने बड़ी चतुराई से कहानी में रोमांटिक थ्रेड भी डाला हुआ है ताकि फिल्म ऑपरेशन विजय पर एक डॉक्यूमेंट्री बनकर ना उभरे फिल्म के दूसरे भाग में युद्ध के दृश्य को डर का एहसास कराते हैं और वो ईमानदारी से दोस्तों यहाँ पर आपको जो है जीत हासिल करने का मौका भी देते हैं ऐसे समय में जब भारत पाकिस्तान के रिश्ते चरम पर हैं क्या लक्ष्य जैसी फिल्म काजू है यहाँ पर मौका बनेगा या नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा दरअसल आपको कारगिल युद्ध के बारे में पता होगा तो आपको यहाँ पर पता ही होगा कि मूवी में आखिरकार कहानी क्या देखने को मिलेंगी वैसे जो तो कारगिल युद्ध है इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनाई गई है कुछ फिल्में काफ़ी अच्छी रही है पर मेरे हिसाब से लगभग जो मूवी है वो हिट ही रही है बहुत ही कम ऐसी मूवी होगी जो कि देशभक्ति पर या फिर ऐसे वार पर बनाई जाए और फ्लॉप हुए तो दोस्तों ये मूवी भी इन्हीं में से एक है जो कि बॉक्स अब इस पर एक हिट साबित हुई है अगर मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में इस मूवी की जो स्टोरी है वो बताने की को कोशिश करूँ तो यहाँ पर जो मूवी का हीरो है इसका नाम करण रहता है अब होता यू है कि करण एक युवक होता है और इच्छा अनुसार भारतीय सेना में शामिल होता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी इच्छा यही होती है कि वो भारतीय सेना में शामिल हो गए और देश के लिए कुछ करेंगे लेकिन जब उसे एक सैनिक का जीवन कठिन लगता है तो पीछे हट जाता है जब इसे उसकी प्रेमिका के साथ टकराव पैदा होता है तो वह उसे गौरवान्वित करने के लिए फिर से शामिल हो जाता है तो यहाँ पर किसी भी इंसान के जीवन में कभी कोई ऐसी घटनाएं घटती है तो वापस उस अपने मोड़ में आता है तो शायद यहाँ पर मूवी का हीरो भी ऐसा ही कुछ करने चला था अब क्या से वो उस जंग को जीतता है ये जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा मूवी यूट्यूब पर रेंट पर उपलब्ध है जहाँ पर रेंट प्राइस फिफ्टी रुपीज़ है आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं बाकी अनऑफिशियली ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिले इसके बहुत ही कम चांस है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मूवी को जरूर देखेंगे आज हम इस वीडियो में रुतिक रोशन की एक शानदार मूवी के बारे में ना ही सिर्फ बात करेंगे बल्कि अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर से इसे आप देख पाएंगे साथ ही में इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और कुछ फैक्ट भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ तो हो सके तो वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा यहाँ पर मूवी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं मूवी का नाम लक्ष्य दिया गया है 2004 में ये मूवी रिलीज़ हुई थी और मूवी में आपको वॉर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है हाल ही में जो रजिक रोशन है उनकी मूवी है ये फाइटर हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इसे देख चुके हैं और इनकी पुरानी मूवी लक्ष्य देखना चाहते हैं पर इस मूवी का रंटम काफ़ी ज़्यादा है लगभग तीन घंटे की मूवी रही है पर मूवी में जो रजिक रॉसन है इनकी एक्टिंग सच में बहुत ही कमाल की है जो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है और ये मूवी भी दोस्तों ट्रो एवेंट पर बनाई गई है जो 1999 में कारगिल जो वार हुआ था इसी पर ये जो कहानी है वो बेस्ड है अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में थोड़ी बात करें तो जो आई है वहां पर भी इसे काफी अच्छी रेटिंग मिली हुई है आई की तरफ से इस मूवी को दस में से सात की रेटिंग मिली है इसके अलावा जो गूगल यूजर है वहां पर भी इस मूवी को काफी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है दोस्तों ये मूवी एक नहीं बल्कि चार जगह पर उपलब्ध है आप जहाँ चाहें वहाँ से इसे देख सकते हैं पर मैं आपको एकदम सिंपल वे बताऊंगा जहाँ से आप इसे एकदम सस्ते में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम वीडियो यूट्यूब और गूगल प्ले मूवीज और टी पर उपलब्ध है पर अगर आप इसे सस्ते में देखना चाहते हैं तो आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया है तो आपका जो रेंट का प्राइस है वो बिल्कुल भी वसूल होने वाला है बाकी ऐसे बहुत सारे अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप देख सकते हैं मूवी के की लीडका ऋतिक राशन प्रीति जिंता अमिताभ बच्चन शरद कपूर ओम पुरी बमो ईरानी राजेंद्र नाथ जोस्ती सुशांत सिंह परमित सेठी संजय एम सिंह अजय जोस रणवीर सोरे ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसमें देखने को मिलेंगे सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है स्पेशली यहाँ पर जो ऋतिक राशन है इन्होंने यहाँ पर दोस्तों बहुत ही गजब की एक्टिंग कर रखी है ये मूवी दोस्तों काफी बढ़िया है और मूवी को वैसे यूएस सेंसर किया गया है पर आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं जो रॉट एंड टमेटो है वहाँ पर भी इस मूवी को 85 फाइव परसेंट हासिल है तो आप समझ सकते हैं कि मूवी में वाकई ही दम है चलिए एक नज़र इसके बॉक्स ऑफिस इस कलेक्शन की तरफ ही डालते हैं क्योंकि कहीं बार लोग ये सोचते हैं अगर मूवी का कलेक्शन सही है तो ही हम इस मूवी को देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों मूवी का कलेक्शन काफ़ी बढ़िया रहा था ये मूवी दोस्तों जो थी वो लगभग चौदह करोड़ के बजट में बनाई गई थी और इस मूवी का जो कलेक्शन था वो लगभग दोस्तों 95 करोड़ का हुआ था मतलब आप समझ सकते हैं कि मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी हिट रही है इसके अलावा मूवी को काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है तो आप इसके बारे में जानते ही होगे अगर नहीं जानते हैं तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले एक नज़र इसकी स्टोरी के बारे में डालते हैं कि यहाँ पर आपको आखिरकार स्टोरी क्या देखने को मिलेंगी तो वैसे इस मूवी के दोस्तों जितने भी रिव्यू आए हैं तो बहुत ही बढ़िया रिव्यू है सब लोगों ने इसे अच्छा रिस्पांस दिया हुआ है ये मूवी दोस्तों अठारह जून 2004 को रिलीज हुई थी और उस टाइम पर मूवीज़ का इतना जो था मालामाल था नहीं तो लोग जो है टूट पड़ते थे आज की आज की तरह पर फिर भी ये मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है इस मूवी को आप एक बार तो देख ही सकते हैं पहले जो मूवी थी वो हमें स्टार गोल्ड पर देखने को मिलती थी पर अब ये मूवी दोस्तों कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो कौन से टी वी चैनल पर आती है इसका अभी कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि मूवी जब भी टी वी पर रिलीज होती है तो जो टी वी वाले होते हैं वो पाँच साल के लिए लेते हैं या फिर कहीं दस साल के लिए लेते हैं तो वैसे में ये मूवी हो सकता है कि अब आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिले इस मूवी के अंदर दोस्तों बहुत सारे आपको ऐसे विरोधी भी देखने को मिलते हैं चलिए कहानी के बारे में बात करते हैं लक्ष्य में आपको अंतराल बिंदु पर युद्ध रेखाएं खींची जाती है और दूसरे हाफ में फोकस युद्ध पर ही यानी कि जो कारगिल जीतने पर और भारत को गौरवान्वित करने पर होता है लेकिन लेखक जावेद अख्तर ने बड़ी चतुराई से कहानी में रोमांटिक थ्रेड भी डाला हुआ है ताकि फिल्म ऑपरेशन विजय पर एक डॉक्यूमेंट्री बनकर ना उभरे फिल्म के दूसरे भाग में युद्ध के दृश्य को डर का एहसास कराते हैं और वो ईमानदारी से दोस्तों यहाँ पर आपको जो है जीत हासिल करने का मौका भी देते हैं ऐसे समय में जब भारत पाकिस्तान के रिश्ते चरम पर है क्या लक्ष्य जैसी फिल्म का जो है यहाँ पर मौका बनेगा या नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा दरअसल आपको कारगिल युद्ध के बारे में पता होगा तो आपको यहाँ पर पता ही होगा कि मूवी में आकर कहानी क्या देखने को मिलेंगी वैसे जो तो कारगिल युद्ध है इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनाई गई है कुछ फिल्में काफी अच्छी रही है पर मेरे हिसाब से लगभग जो मूवी है वो हिट ही रही है बहुत ही कम ऐसी मूवी होगी जो कि देशभक्ति पर या फिर ऐसे वार पर बनाई जाए और फ्लॉप हुए तो दोस्तों ये मूवी भी इन्हीं में से एक है जो कि बॉक्स ऑफिस पर एक हिट साबित हुई है अगर मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में इस मूवी की जो स्टोरी है वो बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर जो मूवी का हीरो है इसका नाम करण रहता है अब होता यू है कि करण एक लक्षण युवक होता है और इच्छा अनुसार भारतीय सेना में शामिल होता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी इच्छा यही होती है कि वो भारतीय सेना में शामिल हो गए और देश के लिए कुछ करेंगे लेकिन जब उसे एक सैनिक का जीवन कठिन लगता है तो पीछे हट जाता है जब इसे उसकी प्रेमिका के साथ टकराव पैदा होता है तो वह उसे गौरवान्वित करने के लिए पेड़ शामिल हो जाता है तो यहाँ पर किसी भी इंसान के जीवन में कभी कोई ऐसी घटनाएं घटती है तो वापस अपने मोड़ में आता है तो शायद यहाँ पर मूवी का हीरो भी ऐसा ही कुछ करने चला था अब क्या से वो उस जंग को जीतता है ये जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा मूवी यूट्यूब पर रेंट पर उपलब्ध है जहाँ पर रेंट प्राइस फिफ्टी रुपीज़ है आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं बाकी अनऑफिशियली ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिले इसके बहुत ही कम चांस है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मूवी को ज़रूर देखेंगे आज हम इस वीडियो में ऋतिक रोशन की एक शानदार मूवी के बारे में ना ही सिर्फ बात करेंगे बल्कि अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर इसे आप देख पाएंगे साथ ही में इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और कुछ फैक्ट भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ तो हो सकता है तो वीडियो को थोड़ा बहुत जरूर देखिएगा यहाँ पर मूवी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं मूवी का नाम लक्ष्य दिया गया है 2004 में ये मूवी रिलीज हुई थी और मूवी में आपको वॉर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है हाल ही में चुरोजी प्रसाद है उनकी मूवी आई फाइटर हो सकता है कि आप में बहुत से बहुत लोग इसे देख चुके हैं और इनकी पुरानी मूवी लक्ष्य देखना चाहते हैं पर इस मूवी का रंटम काफ़ी ज़्यादा है लगभग तीन घंटे की मूवी रही है पर मूवी में जो रिकासन है इनकी एक्टिंग सच में बहुत ही कमाल की है जो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है और ये मूवी भी दोस्तों ट्रो एवेंट पर बनाई गई है जो 1999 में कारगिल जो वार हुआ था इसी बार यह जो कहानी है वो बेस्ड है अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में थोड़ी बात करें तो जो आई है वहाँ पर भी इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है आई की तरफ से इस मूवी को दस में से सात पॉइंट आठ की रेटिंग मिली है इसके अलावा जो गूगल यूजर है वहां पर भी इस मूवी को काफी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है दोस्तों ये मूवी एक नहीं बल्कि चार जगह पर उपलब्ध है आप जहाँ चाहें वहां से इसे देख सकते हैं पर मैं आपको एकदम सिंपल वे बताऊंगा जहाँ से आप इसे एकदम सस्ते में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम वीडियो यूट्यूब और गूगल प्ले मूवीज और टीवी पर उपलब्ध है पर अगर आप इसे सस्ते में देखना चाहते हैं तो आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी दोस्तों मूवी काफी बढ़िया है तो आपका जो रेंट का प्राइस है वो बिल्कुल भी वसूल होने वाला है बाकी ऐसे बहुत सारे अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप देख सकते हैं मूवी की का स्मृति वासन प्रीति जिंता अमिताभ बच्चन शरद कपूर ओम पुरी बम ईरानी राजेंद्र नाथ जस्ती सुशांत सिंह परमित सेठी संजय एम सिंह अजय जोश रणवीर सोरे ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसमें देखने को मिलेंगे सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है स्पेशली यहाँ पर जो ऋतिक राशन है इन्होंने यहाँ पर दोस्तों बहुत ही गजब की एक्टिंग कर रखी है ये मूवी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है और मूवी को वैसे यूएस सेंसर किया गया है पर आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं जो रॉट एंड टमेटो है वहाँ पर भी इस मूवी को 85 परसेंट हासिल है तो आप समझ सकते हैं कि मूवी में वाकई ही दम है चलिए एक नज़र इसके बॉक्स ऑफिस इस कलेक्शन की तरफ ही डालते हैं क्योंकि कहीं बार लोग ये सोचते हैं अगर मूवी का कलेक्शन सही है तो ही हम इस मूवी को देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों मूवी का कलेक्शन काफ़ी बढ़िया रहा था ये मूवी दोस्तों जो थी वो लगभग चौदह करोड़ के बजट में बनाई गई थी और इस मूवी का जो कलेक्शन था वो लगभग दोस्तों नाइन्टी फाइव करोड़ का हुआ था मतलब आप समझ सकते हैं कि मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत ही बड़ी हिट रही है इसके अलावा मूवी को काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है तो आप इसके बारे में जानते ही हो अगर नहीं जानते हैं तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले एक नज़र इसकी स्टोरी के बारे में डालते हैं कि यहाँ पर आपको आखिरकार स्टोरी क्या देखने को मिलेंगी तो वैसे इस मूवी के दोस्तों जितने भी रिव्यू आए हैं तो बहुत ही बढ़िया रिव्यू है सब लोगों ने इसे अच्छा रिस्पांस दिया हुआ है ये मूवी दोस्तों अठारह जून 2004 को रिलीज़ हुई थी और उस टाइम पर मूवीज़ का इतना जो था माल था नहीं तो लोग जो है टूट पढ़ते थे आज की आज की तरह पर फिर भी ये मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है इस मूवी को आप एक बार तो देख ही सकते हैं पहले जो मूवी थी वो हमें स्टार गोल्ड पर देखने को मिलती दे थी पर अब ये मूवी दोस्तों कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो कौन से टी वी चैनल पर आती है इसका अभी कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि मूवी जब भी टी वी पर रिलीज़ होती है तो जो टी वी वाले होते हैं वो पाँच साल के लिए लेते हैं या फिर कहीं दस साल के लिए लेते हैं तो वैसे में ये मूवी पूछ सकता है कि अब आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिले इस मूवी के अंदर दोस्तों बहुत सारे आपको ऐसे विरोधी भी देखने को मिलते हैं चलिए कहानी के बारे में बात करते हैं। में आपको जाती है। और होता है लेकिन लेखक जावेद अख्तर ने बड़ी चतुराई से कहानी में रोमांटिक थ्रेड भी डाला हुआ है ताकि फिल्म ऑपरेशन विजय पर एक डॉक्यूमेंट्री बनकर ना उभरे फिल्म भी दूसरे भाग में युद्ध के दृश्य को डर का एहसास कराते हैं और वो ईमानदारी से दोस्तों यहाँ पर आपको जो है जीत हासिल करने का मौका भी देते हैं ऐसे समय में जब भारत पाकिस्तान के रिश्ते चरम पर हैं क्या लक्ष्य जैसी फिल्म का जो है यहाँ पर मौका बनेगा या नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा दरअसल आपको कारगिल युद्ध के बारे में पता होगा तो आपको यहाँ पर पता ही होगा कि मूवी में आखिरकार कहानी क्या देखने को मिलेंगी वैसे जो तो कारगिल युद्ध है इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनाई गई है कुछ फिल्में काफी अच्छी रही है पर मेरे हिसाब से लगभग जो मूवी है वो हिट ही रही है बहुत ही कम ऐसी मूवी होगी जो कि देशभक्ति पर या फिर ऐसे वार पर बनाई जाए और फ्लॉप हुए तो दोस्तों ये मूवी इन्हीं में से एक है जो कि बॉक्स ऑफिस इस पर एक हिट साबित हुई है अगर मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में इस मूवी की जो स्टोरी है वो बताने की को कोशिश करूँ तो यहाँ पर जो मूवी का हीरो है इसका नाम करण रहता है अब होता यू है कि करण एक लक्षीण युवक होता है और इच्छा अनुसार भारतीय सेना में शामिल होता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी इच्छा यही होती है कि वो भारतीय सेना में शामिल हो गए और देश के लिए कुछ करेंगे लेकिन जब उसे एक सैनिक का जीवन कठिन लगता है तो पीछे हट जाता है जब इससे उसकी प्रेमिका के साथ टकराव पैदा होता है तो वह उसे गौरवान्वित करने के लिए फिर से शामिल हो जाता है तो यहाँ पर किसी भी इंसान के जीवन में कभी कोई ऐसी घटनाएं घटती है तो वापस अपने मोड़ में आता है तो शायद यहाँ पर मूवी का हीरो भी ऐसा ही कुछ करने चला था अब क्या से वो उस जंग को जीतता है ये जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा मूवी यूट्यूब पर रेंट पर उपलब्ध है जहाँ पर रेंट प्राइस फिफ्टी है आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं बाकी अनऑफिशियली ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिले इसके बहुत ही कम चांस है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मूवी को ज़रूर देखेंगे आज हम इस वीडियो में रुतिक रोशन की एक शानदार मूवी के बारे में ना ही सिर्फ बात करेंगे बल्कि अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर से इसे आप देख पाएंगे साथ ही में इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और कुछ फैक्ट भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ तो हो सके तो वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा यहाँ पर मूवी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं मूवी का नाम लक्ष्य दिया गया है 2004 में ये मूवी रिलीज़ हुई थी और मूवी में आपको वॉर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है हाल ही में जो रजरासन है उनकी मूवी है ये फाइटर हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इसे देख चुके हैं और इनकी पुरानी मूवी लक्ष्य देखना चाहते हैं पर इस मूवी का रंटम काफ़ी ज़्यादा है लगभग तीन घंटे की मूवी रही है पर मूवी में जुरु इक्रासन है इनकी एक्टिंग सच में बहुत ही कमाल की है जो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है और ये मूवी भी दोस्तों ट्रो एवेंट पर बनाई गई है जो 1999 में कारगिल जो वार हुआ था इसी बार ये जो कहानी है वो बेस्ड है अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में थोड़ी बात करें तो जो आई है वहाँ पर भी इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है आई की तरफ से इस मूवी को दस में से सात पॉइंट आठ की रेटिंग मिली है इसके अलावा जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है दोस्तों ये मूवी एक नहीं बल्कि चार जगह पर उपलब्ध है आप जहाँ चाहें वहां से इसे देख सकते हैं पर मैं आपको एकदम सिंपल वे बताऊंगा जहाँ से आप इसे एकदम सस्ते में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम वीडियो यूट्यूब और गूगल प्ले मूवीज और टीवी पर उपलब्ध है पर अगर आप इसे सस्ते में देखना चाहते हैं तो आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया है तो आपका जो रेंट का प्राइस है वो बिल्कुल भी वसूल होने वाला है बाकी ऐसे बहुत सारे अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप देख सकते हैं मूवी के लीड लीडिका ऋतिक राशन प्रीति जिंता अमिताभ बच्चन शरद कपूर ओम पुरी बम ईरानी राजेंद्र नाथ जोस्ती सुशांत सिंह परमित सेठी संजय एम सिंह अजय जोश रणवीर सोरे ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसमें देखने को मिलेंगे सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है स्पेशली यहाँ पर जो ऋतिक रोशन है इन्होंने यहाँ पर दोस्तों बहुत ही गजब की एक्टिंग कर रखी है ये मूवी दोस्तों काफी बढ़िया है और मूवी को वैसे यूएस सेंसर किया गया है पर आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं जो रॉटेन टोमेटो है वहाँ पर भी इस मूवी को 85 फाइव परसेंट हासिल है तो आप समझ सकते हैं कि मूवी में वाकई ही दम है चलिए एक नज़र इसके बॉक्स ऑफिस इस कलेक्शन की तरफ ही डालते हैं क्योंकि कहीं बार लोग ये सोचते हैं अगर मूवी का कलेक्शन सही है तो ही हम इस मूवी को देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों मूवी का कलेक्शन काफ़ी बढ़िया रहा था ये मूवी दोस्तों जो थी वो लगभग चौदह करोड़ के बजट में बनाई गई थी और इस मूवी का जो कलेक्शन था वो लगभग दोस्तों नाइन्टी फाइव करोड़ का हुआ था मतलब आप समझ सकते हैं कि मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी हिट रही है इसके अलावा मूवी को काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है तो आप इसके बारे में जानते ही होगे अगर नहीं जानते हैं तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले एक नज़र इसकी स्टोरी के बारे में डालते हैं कि यहाँ पर आपको आखिरकार स्टोरी क्या देखने को मिलेंगी तो वैसे इस मूवी के दोस्तों जितने भी रिव्यू आए हैं तो बहुत ही बढ़िया रिव्यू है सब लोगों ने इसे अच्छा रिस्पांस दिया हुआ है ये मूवी दोस्तों अठारह जून 2004 को रिलीज हुई थी और उस टाइम पर मूवीज का इतना जो था मालामाल था नहीं तो लोग जो है टूट पड़ते थे आज की आज की तरह पर फिर भी ये मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है इस मूवी को आप एक ही बार तो देख ही सकते हैं पहले जो मूवी थी वो हमें स्टार गोल्ड पर देखने को मिलती थी पर अब ये मूवी दोस्तों कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो कौन से टीवी चैनल पर आती है इसका अभी कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि मूवी जब भी टीवी पर रिलीज होती है तो जो टीवी वाले होते हैं वो पाँच साल के लिए लेते हैं या फिर कहीं दस साल के लिए लेते हैं तो वैसे में ये मूवी पूछ सकता है कि अब आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिले इस मूवी के अंदर दोस्तों बहुत सारे आपको ऐसे विरोधियों भी देखने को मिलते हैं चलिए कहानी के बारे में बात करते हैं लक्ष्य में आपको अंतराल बिंदु पर युद्ध रेखाएं की जाती है और दूसरे हाफ में फोकस युद्ध पर ही यानी कि जो कारगिल जितने पर और भारत को गौरवान्वित करने पर होता है लेकिन लेखक जावेद अख्तर ने बड़ी से कहानी में रोमांटिक थ्रेड भी डाला हुआ है ताकि फिल्म ऑपरेशन विजय पर एक डॉक्यूमेंट्री बनकर न उभरे फिल्म भी दूसरे भाग में युद्ध के दृश्य को डर का एहसास कराते हैं और वो ईमानदारी से दोस्तों यहाँ पर आपको जो है जीत हासिल करने का मौका भी देते हैं ऐसे समय में जब भारत पाकिस्तान के रिश्ते चरम पर है क्या लक्ष्य जैसी फिल्म का जो है यहाँ पर मौका बनेगा या नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा दरअसल आपको कारगिल युद्ध के बारे में पता होगा तो आपको यहाँ पर पता ही होगा कि मूवी में आकर कहानी क्या देखने को मिलेंगी वैसे जो तो कारगिल युद्ध है इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनाई गई है कुछ फिल्में काफी अच्छी रही है पर मेरे हिसाब से लगभग जो मूवी है वो हिट ही रही है बहुत ही कम ऐसी मूवी होगी जो कि देशभक्ति पर या फिर ऐसे वार पर बनाई जाए और फ्लॉप हुए तो दोस्तों ये मूवी भी इन्हीं में से एक है जो कि बॉक्स अब इस पर एक हिट साबित हुई है अगर मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में इस मूवी की जो स्टोरी है वो बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर जो मूवी का हीरो है इसका नाम करण रहता है अब होता यू है कि करण एक लक्षण युवक होता है और इच्छा अनुसार भारतीय सेना में शामिल होता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी इच्छा यही होती है कि वो भारतीय सेना में शामिल हो गए और देश के लिए कुछ करेंगे लेकिन जब उसे एक सैनिक का जीवन कठिन लगता है तो पीछे हट जाता है जब इसे उसकी प्रेमिका के साथ टकराव पैदा होता है तो वह उसे गौरवान्वित करने के लिए फिर से शामिल हो जाता है तो यहाँ पर किसी भी इंसान के जीवन में कभी कोई ऐसी घटनाएं घटती है तो वापस अपने मोड़ में आता है तो शायद यहाँ पर मूवी का हीरो भी ऐसा ही कुछ करने चला था अब क्या से वो उस जंग को जीतता है ये जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा मूवी यूट्यूब पर रेंट पर उपलब्ध है जहाँ पर रेंट प्राइस फिफ्टी रुपीज़ है आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं बाकी अनऑफिशियली ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिले इसके बहुत ही कम चांस है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मूवी को ज़रूर देखेंगे आज हम इस वीडियो में ऋतिक रोशन की एक शानदार मूवी के बारे में ना सिर्फ बात करेंगे बल्कि अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर इसे आप देख पाएंगे साथ ही में इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और कुछ फैक्ट भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ तो हो सकता है तो वीडियो को थोड़ा बहुत जरूर देखिएगा यहाँ पर मूवी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं मूवी का नाम लक्ष्य दिया गया है 2004 में ये मूवी रिलीज हुई थी और मूवी में आपको वॉर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है हाल ही में चुरो प्रसाद है उनकी मूवी आई फाइटर हो सकता है कि आप में बहुत से बहुत लोग इसे देख चुके हैं और इनकी पुरानी मूवी लक्ष्य देखना चाहते हैं पर इस मूवी का रंटम काफ़ी ज़्यादा है लगभग तीन घंटे की मूवी रही है पर मूवी में जरुदी राशन है इनकी एक्टिंग सच में बहुत ही कमाल की है जो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है और ये मूवी भी दोस्तों ट्रो एवेंट पर बनाई गई है जो 1999 में कारगिल जो वार हुआ था इसी बार यह जो कहानी है वो बेस्ड है अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में थोड़ी बात करें तो जो आई है वहाँ पर भी इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है आई की तरफ से इस मूवी को दस में से सात पॉइंट आठ की रेटिंग मिली है इसके अलावा जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है दोस्तों ये मूवी एक नहीं बल्कि चार जगह पर उपलब्ध है आप जहाँ चाहें वहाँ से इसे देख सकते हैं पर मैं आपको एकदम सिंपल वे बताऊँगा जहाँ से आप इसे एकदम सस्ते में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम वीडियो यूट्यूब और गूगल प्ले मूवीज और टी पर उपलब्ध है पर अगर आप इसे सस्ते में देखना चाहते हैं तो आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी दोस्तों मूवी काफी बढ़िया है तो आपका जो रेंट का प्राइस है वो बिल्कुल भी वसूल होने वाला है बाकी ऐसे बहुत सारे अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म जहाँ जहां आप देख सकते हैं मूवी के लीड का श्रुति क्वासन प्रीति जिंता अमिताभ बच्चन शरद कपूर ओम पुरी बमो ईरानी राजेंद्र नाथ जोस्ती सुशांत सिंह परमित सेठी संजय एम सिंह अजय जोश रणवीर सोरे ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसमें देखने को मिलेंगे सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है स्पेशली यहाँ पर जो ऋतिक राशन है इन्होंने यहाँ पर दोस्तों बहुत ही गजब की एक्टिंग कर रखी है ये मूवी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है और मूवी को वैसे यूएस सेंसर किया गया है पर आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं जो रॉट टोमेटो है वहाँ पर भी इस मूवी को 85 परसेंट हासिल है तो आप समझ सकते हैं कि मूवी में वाकई ही दम है चलिए एक नज़र इसके बॉक्स ऑफिस इस कलेक्शन की तरफ ही डालते हैं क्योंकि कहीं बार लोग ये सोचते हैं अगर मूवी का कलेक्शन सही है तो ही हम इस मूवी को देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों मूवी का कलेक्शन काफ़ी बढ़िया रहा था ये मूवी दोस्तों जो थी वो लगभग चौदह करोड़ के बजट में बनाई गई थी और इस मूवी का जो कलेक्शन था वो लगभग दोस्तों नाइन्टी फाइव करोड़ का हुआ था मतलब आप समझ सकते हैं कि मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी हिट रही है इसके अलावा मूवी को काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है तो आप इसके बारे में जानते ही हो अगर नहीं जानते हैं तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले एक नज़र इसकी स्टोरी के बारे में डालते हैं कि यहाँ पर आपको आखिरकार स्टोरी क्या देखने को मिलेंगी तो वैसे इस मूवी के दोस्तों जितने भी रिव्यू आए हैं तो बहुत ही बढ़िया रिव्यू है सब लोगों ने इसे अच्छा रिस्पांस दिया हुआ है ये मूवी दोस्तों अठारह जून 2004 को रिलीज हुई थी और उस टाइम पर मूवीज़ का इतना जो था माल था नहीं तो लोग जो है टूट पड़ते थे आज की आज की तरह पर फिर भी ये मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है इस मूवी को आप एक ही बार तो देख ही सकते हैं पहले जो मूवी थी वो हमें स्टार गोल्ड पर देखने को मिलती दे थी पर अब ये मूवी दोस्तों कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो कौन से टीवी चैनल पर आती है इसका अभी कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि मूवी जब भी टीवी पर रिलीज होती है तो जो टीवी वाले होते हैं वो पाँच साल के लिए लेते हैं या फिर कहीं दस साल के लिए लेते हैं तो वैसे में ये मूवी हो सकता है कि अब आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिले इस मूवी के अंदर दोस्तों बहुत सारे आपको ऐसे विरोधी भी देखने को मिलते हैं चलिए कहानी के बारे में बात करते हैं लक्ष्य में आपको अंतराल बिंदु पर युद्ध रेखाएं खींची जाती है और दूसरे हाफ में फोकस युद्ध पर ही यानी कि जो कारगिल जीतने पर और भारत को गौरवान्वित करने पर होता है लेकिन लेखक जावेद अख्तर ने बड़ी चतुराई से कहानी में रोमांटिक थ्रेड भी डाला हुआ है ताकि फिल्म ऑपरेशन विजय पर एक डॉक्यूमेंट्री बनकर ना उभरे फिल्म के दूसरे भाग में युद्ध के दृश्यों को डर का एहसास कराते हैं और वो ईमानदारी से दोस्तों यहाँ पर आपको जो है जीत हासिल करने का मौका भी देते हैं ऐसे समय में जब भारत पाकिस्तान के रिश्ते चरम पर हैं क्या लक्ष्य जैसी फिल्म का जो है यहाँ पर मौका बनेगा या नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा दरअसल आपको कारगिल युद्ध के बारे में पता होगा तो आपको यहाँ पर पता ही होगा कि मूवी में आखिरकार कहानी क्या देखने को मिलेंगी वैसे जो तो कारगिल युद्ध है इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनाई गई है कुछ फिल्म काफी रही है पर हिसाब से लगभग मूवी है वो हिट ही रही है बहुत कम जो कि या फिर ऐसे इस पर और हुए। तो दोस्तों ये भी में से एक हिट साबित हुई है अगर मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में इस मूवी की जो स्टोरी है वो बताने की को कोशिश करूँ तो यहाँ पर जो मूवी का हीरो है इसका नाम करण रहता है अब होता यू है कि करण एक लक्षीण युवक होता है और इच्छा अनुसार भारतीय सेना में शामिल होता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी इच्छा यही होती है कि वो भारतीय सेना में शामिल हो गए और देश के लिए कुछ करेंगे लेकिन जब उसे एक सैनिक का जीवन कठिन लगता है तो पीछे हट जाता है जब इससे उसकी प्रेमिका के साथ टकराव पैदा होता है तो वह उसे गौरवान्वित करने के लिए फिर से शामिल हो जाता है तो यहाँ पर किसी भी इंसान के जीवन में कभी कोई ऐसी घटनाएँ घटती है तो वापस अपने मोड में आता है तो शायद यहाँ पर मूवी का हीरो भी ऐसा ही कुछ करने चला था अब क्या से वो उस जंग को जीतता है ये जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा मूवी यूट्यूब पर रेंट पर उपलब्ध है जहाँ पर रेंट प्राइस फिफ्टी रुपीज है आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं बाकी अनऑफिशियली ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिले इसके बहुत ही कम चांस है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मूवी को जरूर देखेंगे आज हम इस वीडियो में रुझिक रोशन की एक शानदार मूवी के बारे में ना ही सिर्फ बात करेंगे बल्कि अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर से इसे आप देख पाएंगे साथ ही में इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और कुछ फैक्ट भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ तो हो सके तो वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा यहाँ पर मूवी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं मूवी का नाम लक्ष्य दिया गया है दो में ये मूवी रिलीज हुई थी और मूवी में आपको वॉर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है हाल ही में जोरदिक राशन है उनकी मूवी आई ये फाइटर हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इसे देख चुके हैं और इनकी पुरानी मूवी लक्ष्य देखना चाहते हैं पर इस मूवी का रंटम काफ़ी ज़्यादा है लगभग तीन घंटे की मूवी रही है पर मूवी में जरुदराशन है इनकी एक्टिंग सच में बहुत ही कमाल की है जो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है और ये मूवी भी दोस्तों ट्रो एवेंट पर बनी गई है जो 1999 में कारगिल जो वार हुआ था इसी बार यह जो कहानी है वो बेस्ड है अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में थोड़ी बात करें तो जो आई है वहाँ पर भी इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है आई की तरफ से इस मूवी को दस में से सात की रेटिंग मिली है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है दोस्तों ये मूवी एक नहीं बल्कि चार जगह पर उपलब्ध है आप जहाँ चाहें वहां से इसे देख सकते हैं पर मैं आपको एकदम सिंपल वे बताऊंगा जहाँ से आप इसे एकदम सस्ते में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम वीडियो यूट्यूब और गूगल प्ले मूवीज और टीवी पर उपलब्ध है पर अगर आप इसे सस्ते में देखना चाहते हैं तो आप इसे YouTube पर देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी दोस्तों मूवी काफी बढ़िया है तो आपका जो रेंट का प्राइस है वो बिल्कुल भी वसूल होने वाला है बाकी ऐसे बहुत सारे अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जहां से आप देख सकते हैं मूवी की लीडका स्कृति क्वासन प्रीति जिंता अमिताभ बच्चन शरद कपूर ओम पुरी बमो ईरानी राजेंद्र नाथ जोस्ती सुशांत सिंह परमित सेठी संजय एम सिंह अजय जोश रणवीर सोरे ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसमें देखने को मिलेंगे सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है स्पेशली यहाँ पर जो ऋतिक रोशन है इन्होंने यहाँ पर दोस्तों बहुत ही गजब की एक्टिंग कर रखी है ये मूवी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है और मूवी को वैसे यूए सेंसर किया गया है पर आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं जो रॉट एन टोमेटो है वहाँ पर भी इस मूवी को 85 फाइव परसेंट हासिल है तो आप समझ सकते हैं कि मूवी में वाकई ही दम है चलिए एक नज़र इसके बॉक्स ऑफिस इस कलेक्शन की तरफ ही डालते हैं क्योंकि कहीं बार लोग ये सोचते हैं अगर मूवी का कलेक्शन सही है तो ही हम इस मूवी को देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों मूवी का कलेक्शन काफ़ी बढ़िया रहा था ये मूवी दोस्तों जो थी वो लगभग चौदह करोड़ के बजट में बनाई गई थी और इस मूवी का जो कलेक्शन था वो लगभग दोस्तों नाइन्टी फाइव करोड़ का हुआ था मतलब आप समझ सकते हैं कि मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी हिट रही है इसके अलावा मूवी को काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है तो आप इसके बारे में जानते ही हो अगर नहीं जानते हैं तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले एक नज़र इसकी स्टोरी के बारे में डालते हैं कि यहाँ पर आपको आखिरकार स्टोरी क्या देखने को मिलेंगी तो वैसे इस मूवी के दोस्तों जितने भी रिव्यू आए हैं तो बहुत ही बढ़िया रिव्यू है सब लोगों ने इसे अच्छा रिस्पांस दिया हुआ है ये मूवी दोस्तों अठारह जून 2004 को रिलीज हुई थी और उस टाइम पर मूवीज़ का इतना जो था मालामाल था नहीं तो लोग जो है टूट पड़ते थे आज की आज की तरह पर फिर भी ये मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है इस मूवी को आप एक बार तो देख ही सकते हैं पहले जो मूवी थी वो हमें स्टार गोल्ड पर देखने को मिलती दे थी पर अब ये मूवी दोस्तों कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो कौन से टीवी चैनल पर आती है इसका अभी कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि मूवी जब भी टीवी पर रिलीज़ होती है तो जो टीवी वाले होते हैं वो पाँच साल के लिए लेते हैं या फिर कहीं दस साल के लिए लेते हैं तो वैसे में ये मूवी पूछ सकता है कि अब आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिले इस मूवी के अंदर दोस्तों बहुत सारे आपको ऐसे विरोधियों भी देखने को मिलते हैं चलिए कहानी के बारे में बात करते हैं लक्ष्य में आपको अंतराल बिंदु पर युद्ध रेखाएं खींची जाती है और दूसरे हाफ में फोकस युद्ध पर ही यानी कि जो कारगिल जीतने पर और भारत को गौरवान्वित करने पर होता है लेकिन लेखक जावेद अख्तर ने बड़ी चतुराई से कहानी में रोमांटिक थ्रेड भी डाला हुआ है ताकि फिल्म ऑपरेशन विजय पर एक डॉक्यूमेंट्री बनकर ना उभरे फिल्म भी दूसरे भाग में युद्ध के दृश्य को डर का एहसास कराते हैं और वो ईमानदारी से दोस्तों यहाँ पर आपको जो है जीत हासिल करने का मौका भी देते हैं ऐसे समय में जब भारत पाकिस्तान के रिश्ते चरम पर हैं क्या लक्ष्य जैसी फिल्म काजू है यहाँ पर मौका बनेगा या नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा दरअसल आपको कारगिल युद्ध के बारे में पता होगा तो आपको यहाँ पर पता ही होगा कि मूवी में आकर कर कहानी क्या देखने को मिलेंगी वैसे जो तो कारगिल युद्ध है इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनाई गई है कुछ फिल्में काफ़ी अच्छी रही है पर मेरे हिसाब से लगभग जो मूवी है वो हिट ही रही है बहुत ही कम ऐसी मूवी होगी जो कि देशभक्ति पर या ऐसे वार पर बनाई जाए और फ्लॉप तो दोस्तों ये मूवी भी इन्हीं में से एक है बॉक्स हिट साबित हुई है अगर मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में इस मूवी की जो स्टोरी है वो बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर जो मूवी का हीरो है इसका नाम करण रहता है अब होता युव है कि करण एक लक्षीण युवक होता है और इच्छा अनुसार भारतीय सेना में शामिल होता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी इच्छा यही होती है कि वो भारतीय सेना में शामिल हो गए और देश के लिए कुछ करेंगे लेकिन जब उसे एक सैनिक का जीवन कठिन लगता है तो पीछे हट जाता है जब इसे उसकी प्रेमिका के साथ टकराव पैदा होता है तो वह उसे गौरवान्वित करने के लिए फिर से शामिल हो जाता है तो यहाँ पर किसी भी इंसान के जीवन में कभी कोई ऐसी घटनाएँ घटती है तो वापस अपने मोड़ में आता है तो शायद यहाँ पर मूवी का हीरो भी ऐसा ही कुछ करने चला था अब क्या से वो उस जंग को जीतता है ये जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा मूवी यूट्यूब पर रेंट पर उपलब्ध है पर रेंट प्राइस है आप बाकी यूट्यूब पर देखने को मिले इसके बहुत ही कम चांस है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मूवी को जरूर देखेंगे आज हम इस वीडियो में ऋतिक रोशन की एक शानदार मूवी के बारे में ना ही सिर्फ बात करेंगे बल्कि अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर इसे आप देख पाएंगे साथ ही में इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और कुछ फैक्ट भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ तो हो सके तो वीडियो को थोड़ा बहुत जरूर देखिएगा यहाँ पर मूवी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं मूवी का नाम लक्ष्य दिया गया है 2004 में ये मूवी रिलीज हुई थी और मूवी में आपको वॉर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है हाल ही में चिरोजी प्रसाद है उनकी मूवी आई ये फाइटर हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इसे देख चुके हैं और इनकी पुरानी मूवी लग देखना चाहते हैं पर इस मूवी का रंटन काफ़ी ज़्यादा है लगभग तीन घंटे की मूवी रही है पर मूवी में जरिदिक रॉसन है इनकी एक्टिंग सच में बहुत ही कमाल की है जो दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखती है और ये मूवी भी दोस्तों ट्रो एवेंट पर बनाई गई है जो 1999 में कारगिल जो वार हुआ था इसी बार ये जो कहानी है वो बेस्ड है अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में थोड़ी बात करें तो जो आई है वहाँ पर भी इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है आई की तरफ से इस मूवी को दस में से सात पॉइंट आठ की रेटिंग मिली है इसके अलावा जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है दोस्तों ये मूवी एक नहीं बल्कि चार जगह पर उपलब्ध है आप जहाँ चाहें वहाँ से इसे देख सकते हैं पर मैं आपको एकदम सिंपल वे बताऊँगा जहाँ से आप इसे एकदम सस्ते में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स एमेजन प्राइम वीडियो यूट्यूब और गूगल प्ले मूवीज और टीवी पर उपलब्ध है पर अगर आप इसे सस्ते में देखना चाहते हैं तो आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी दोस्तों मूवी काफी बढ़िया है तो आपका जो रेंट का प्राइस है वो बिल्कुल भी वसूल होने वाला है बाकी ऐसे बहुत सारे अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप देख सकते हैं मूवी के लीड लीडका स्कृति कौशन प्रीति जिंता अमिताभ बच्चन शरद कपूर ओम पुरी बम ईरानी राजेंद्र नाथ जोस्ती सुशांत सिंह परमित सेठी संजय एम सिंह अजय जोश रणवीर सोरे ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसमें देखने को मिलेंगे सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है स्पेशली यहाँ पर जो ऋतिक राशन है इन्होंने यहाँ पर दोस्तों बहुत ही गजब की एक्टिंग कर रखी है ये मूवी दोस्तों काफी बढ़िया है और मूवी को वैसे यूएस सेंसर किया गया है पर आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं जो रॉट एंड टोमेटो है वहाँ पर भी इस मूवी को 85 फाइव परसेंट हासिल है तो आप समझ सकते हैं कि मूवी में वाकई ही दम है चलिए एक नज़र इसके बॉक्स ऑफिस इस कलेक्शन की तरफ ही डालते हैं क्योंकि कहीं बार लोग ये सोचते हैं अगर मूवी का कलेक्शन सही है तो ही हम इस मूवी को देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों मूवी का कलेक्शन काफ़ी बढ़िया रहा था ये मूवी दोस्तों जो थी वो लगभग चौदह करोड़ के बजट में बनाई गई थी और इस मूवी का जो कलेक्शन था वो लगभग दोस्तों 95 करोड़ का हुआ था मतलब आप समझ सकते हैं कि मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी हिट रही है इसके अलावा मूवी को काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है तो आप इसके बारे में जानते ही होगे अगर नहीं जानते हैं तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले एक नज़र इसकी स्टोरी के बारे में डालते हैं कि यहाँ पर आपको आखिरकार स्टोरी क्या देखने को मिलेंगी तो वैसे इस मूवी के दोस्तों जितने भी रिव्यू आए हैं तो बहुत ही बढ़िया रिव्यू है सब लोगों ने इसे अच्छा रिस्पांस दिया हुआ है ये मूवी दोस्तों अठारह जून दो को रिलीज़ हुई थी और उस टाइम पर मूवीज़ का इतना जो था मालामाल था नहीं तो लोग जो है टूट पड़ते थे आज की आज की तरह पर फिर भी ये मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है इस मूवी को आप एक ही बार तो देख ही सकते हैं पहले जो मूवी थी वो हमें स्टार गोल्ड पर देखने को मिलती दे थी पर अब ये मूवी दोस्तों कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो कौन से टीवी चैनल पर आती है इसका अभी कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि मूवी जब भी टी पर रिलीज़ होती है तो जो

लेकिन लेखक जावेद अख्तर ने बड़ी से कहानी में रोमांटिक थ्रेड भी डाला हुआ है ताकि फिल्म ऑपरेशन विजय पर एक डॉक्यूमेंट्री बनकर न उभरे फिल्म के दूसरे भाग में युद्ध के दृश्य को डर का एहसास कराते हैं और वो ईमानदारी से दोस्तों यहाँ पर आपको जो है जीत हासिल करने का मौका भी देते हैं ऐसे समय में जब भारत पाकिस्तान के रिश्ते चरम पर हैं क्या लक्ष्य जैसी फिल्म काजू है यहाँ पर मौका बनेगा या नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा दरअसल आपको कारगिल युद्ध के बारे में पता होगा तो आपको यहाँ पर पता ही होगा कि मूवी में आकर कर कहानी क्या देखने को मिलेंगी वैसे तो कारगिल युद्ध है इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनाई गई है कुछ फिल्में काफी अच्छी रही है पर मेरे हिसाब से लगभग जो मूवी है वो हिट ही रही है बहुत ही कम ऐसी मूवी होगी जो कि देशभक्ति पर या फिर ऐसे वार पर बनाई जाए और फ्लॉप हुए तो दोस्तों ये मूवी भी इन्हीं में से एक है जो कि बॉक्स ऑफिस पर एक हिट साबित हुई है अगर मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में इस मूवी की जो स्टोरी है वो बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर जो मूवी का हीरो है इसका नाम करण रहता है अब होता यू है कि करण एक लक्षीण युवक होता है और इच्छा अनुसार भारतीय सेना में शामिल होता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी इच्छा यही होती है कि वो भारतीय सेना में शामिल हो गए और देश के लिए कुछ करेंगे लेकिन जब उसे एक सैनिक का जीवन कठिन लगता है तो पीछे हट जाता है जब इसे उसकी प्रेमिका के साथ टकराव पैदा होता है तो वह उसे गौरवान्वित करने के लिए फिर शामिल हो जाता है तो यहाँ पर किसी भी इंसान के जीवन में कभी कोई ऐसी घटनाएँ घटती है तो वापस अपने मोड़ में आता है तो शायद यहाँ पर मूवी का हीरो भी ऐसा ही कुछ करने चला था अब क्या से वो उस जंग को जीतता है ये जानने के लिए आपको मूवी को भी देखना पड़ेगा मूवी यूट्यूब पर रेंट पर उपलब्ध है जहाँ पर रेंट प्राइस फिफ्टी रुपीज़ है आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं बाकी की अनऑफिशियल ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिले इसके बहुत ही कम चांस है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मूवी को ज़रूर देखेंगे